की आज के होल नाइट प्रेयर में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूं। सोने वाले सब जाग जाएं, अभी टाइम नहीं हुआ सोने का। इस साल का हमारा पहला होल नाइट प्रेयर है ये, लास्ट ईयर भी हमने किया था। और जब भी हमने होल नाइट प्रेयर किया है उसके बाद हमने एक जीत देखा है अपने पर्सनल लाइफ्स में, कलीसिया में भी। और मेरा विश्वास है कि कल सुबह जब आप यहाँ से निकलेंगे, आप अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने जीवन में भी एक जीत को देखेंगे। हालेलुया। और इस टाइम हम लाइव पे भी हैं, तो हमें पता नहीं हम कितने बजे तक लाइव रहेंगे, तो एज ऑफ नाउ हम लाइव हैं। अगर आप फरीदाबाद से हमें देख रहे हैं तो अपना बेड, गरम गरम बेड छोड़ दीजिए और कलीसिया में आ जाइए और मिलके हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जो घर में आप आराधना करते हो, घर में आप बैठ के होल नाइट प्रेयर करते हो, और चर्च में आके जब होल नाइट प्रेयर करते हो, उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। तो अगर आप फरीदाबाद में रहते हो और घर पे अपने गरम बेड में देख रहे हो, तो बेड छोड़िए और कलीसिया आ जाइए। और आपके लिए भी खुशखबरी है, बीच बीच में हम आपको कॉफ़ी पिलाएंगे एक बार, और सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट का भी आयोजन किया गया है, लाइट ब्रेकफास्ट। अभी खुशखबरी देख रही हूँ तो ताकि आप जगे रहें। जैसे हम जब जो रनर्स होते हैं, जो भागने जाते हैं, उनको पता है मैं फर्स्ट आऊँगा तो मैं क्या लेके आऊँगा, कप लेके आऊँगा। तो मैं अभी आपको कप दिखा रही हूँ। अगर आप जागते रहेंगे पूरा नाइट, प्रार्थना करते रहेंगे, तो आपके लिए भी कप है, कलीसिया से भी मिलेगा और परमेश्वर तो देगा ही देगा। तो कलीसिया के कप के ऊपर नजर मत रखिएगा, उस कप के ऊपर नजर रखिएगा जो परमेश्वर आपको कल सुबह 6 बजे से देने जा रहा है। आमेन, आमेन। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और आराधना में जाएंगे। और आज जो कुछ टाइम है, और सुबह से बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं हमारे पास जो आएंगे और हमें बताएंगे प्रेयर के बारे में, परिवार में प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, फैमिली में प्रेयर की ज़रूरत क्या है, वर्शिप क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे और हम आपको सोने नहीं देंगे। बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज, और आराधना में हम जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे इस टाइम पिता परमेश्वर तेरा आत्मा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है पिता, हम जानते हैं, हम महसूस कर रहे हैं तेरा आत्मा आज यहाँ मंडराता है। और खुदावंद आज जैसे हमने सारे चीज़ों को अलग रखते हुए, स्पेशली जो हमारा सबसे करीब का चीज़ है वो है हमारा नींद, आज हम अपने नींद को भी साइड पे रखते हुए पिता परमेश्वर आज हम तेरी उपस्थिति में, ये 8 से 9 घंटे हम तेरी उपस्थिति में हमने बैठने का निर्णय लिया है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि जीत हमारी है, यरीहो की दीवार गिराने वाला परमेश्वर, कल सुबह जब हम यहां से निकलेंगे खुदावंद, हम देखेंगे हमारे जीवन के हर एक यरीहो की दीवार को टूटते हुए गिरते हुए, इस कलीसिया के चारों ओर जो भी यरीहो की दीवार शैतान ने बनाई रखी है, उस हर एक यरीहो की दीवार को टूटते हुए, नाश होते हुए पिता हम देखेंगे खुदावंद। पिता परमेश्वर आज जैसे हम समय को बिताते हैं आराधना में और तेरे वचन में से सीखने के लिए पिता परमेश्वर, हो दे खुदावंद, सारा आदर महिमा और जलाल तुझी को मिले पाए खुदावंद। आज के इस होल नाइट प्रेयर को पिता परमेश्वर, हमारे आराधना को, हमारे जीवनों को आज स्वीकार करना पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को एक जीवित बलिदान के रूप में तेरे सामने लेके आते हैं खुदावन, इसको स्वीकार करना। हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर, हमारे आराधना को और हमारे इस टाइम को स्वीकार करना पिता परमेश्वर। जितनी प्रार्थनाएं हम करें खुदावन, तूने वचन में बोला जो कुछ तुम इस धरती में बांधोगे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो कुछ तुम धरती में खोलोगे मैं स्वर्ग में खोलूंगा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थनाओं में जो कुछ बांधते हैं पिता परमेश्वर, तू आज रात कल सुबह पिता परमेश्वर स्वर्ग में उन प्रार्थनाओं को बांधेगा। जिन जिन प्रार्थनाओं को हम खोलेंगे, रिलीज करेंगे पिता परमेश्वर, स्वर्ग में पिता तू उन प्रार्थनाओं को रिलीज करेगा पिता। एस्थर का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर, हमारे स्पिरिचुअल फादर का परमेश्वर खुदावंद, इस टाइम, इस रात के टाइम हम तुझे पुकारते हैं खुदावंद। हमारी नज़र तेरी ओर है पिता, जहाँ से हमें सहायता मिलती है,
हमारे इस टाइम को स्वीकार करना, जो कुछ हम करें पिता परमेश्वर, हमारे प्रार्थनाओं को सुन के उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर खुदावन तू है। धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद जो कार्य तू इस फरीदाबाद क्षेत्र में आज रात से करने जा रहा है, जो खुला स्वर्ग आज फरीदाबाद में हम देखते हैं। धन्यवाद पिता, स्पिरिट में हम देखते हैं कि फरीदाबाद के ऊपर एक खुला स्वर्ग, ओपन हेवेंस पिता, जैसे साउथ में ओपन हेवेंस है, जैसे पंजाब में ओपन हेवेंस है। खुदावन मेरी प्रार्थना है खुदावन कि आज रात से पिता फरीदाबाद के ऊपर खुला स्वर्ग हो पिता, जहां जहां सुसमाचार पहुंचाया जाए पिता, खुला स्वर्ग, ओपन हेवेंस हो पिता परमेश्वर। खुला स्वर्ग को हम देखते हैं अपने स्पिरिट में खुदावन। सुसमाचार के लिए तेरे लोगों का हृदय खुला हो पिता, उनकी आंखें खुली हो, उनका कान खुला हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना करेंगे मिलके। तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल करेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल करेगा। हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा और नाल करेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल करेगा। हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइया ओ यहोवा लड़ेगा। आसमान कंबदा हो, जद बोल यहोवा आसमान कंबदा, ओदे रुतबे ते सारा ही जहान कंबदा, ओदे रुतबे ते सारा ही जहान कंबदा। तूफान विच आके तेरा हाथ पड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल करेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल करेगा। हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइया ओ यहोवा लड़ेगा। तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया
लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरिया लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। जद बोलदा यहोवा आसमान कंबदा, अगदिया पट्टिया च गल सड़ेगा। हुण तेरिया लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरिया लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। Shiva, 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 Shi
किसी को पुकारे रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा जो हमारे बीच में जो बोलना चाहता है हम सुनेंगे और ईव हमारे साथ इस टाइम शेयर करेगी कि क्यों प्रार्थना करना जरूरी है, एक मसीह को क्यों प्रार्थना करना जरूरी है। तो आइए ईव से हम समझेंगे आज के दिन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, आप बैठ सकते हैं अगर आप बैठना चाहते हैं। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ हमें प्रे करना क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड टू प्रे।
प्रेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अ क्रिश्चियन शुड डू. प्रेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक क्रिश्चियन को करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ अ टाइम वी आर कम्युनिकेटिंग टू गॉड. जब हम प्रे करते हैं वो एक ऐसा वक्त है जब हम गॉड से कम्युनिकेट करते हैं. इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली. जब हम प्रार्थना करते हैं हमें बिना डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सीरियसली प्रे करना चाहिए. प्रेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स गॉड हैज़ गिवन अस. प्रेयर एक बहुत पावरफुल वेपन है जो गॉड ने हमें दिया है. प्रेयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद गॉड टू रियली अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड वी नीड टू प्रे. प्रेयर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो गॉड ने हमें दिया है ताकि हम गॉड का हार्ट अच्छे से समझ पाएँ. जब हम प्रे करते हैं हम गॉड को समझ पाते हैं, हम गॉड का हार्ट समझ पाते हैं. जैसे जॉन वर्स 15:15 में लिखा है कि गॉड ने हमें सर्वेंट्स नहीं बुलाया, गॉड ने हमें फ्रेंड्स बुलाया. तो अगर हमें गॉड का हार्ट अच्छे से समझना है तो हमें प्रे करना ज़रूरी है. व्हाट डज प्रेयर डू? प्रेयर बाइंड्स अस विद गॉड एंड ब्रिंग्स अस नियरर टू हिम. जब हम प्रे करते हैं तो परमेश्वर और हमारा जो संबंध होता है वो और डीपर बनता है. प्रेयर गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड करेज टू फेस आवर प्रॉब्लम्स. जब हम प्रे करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ और करेज मिलता है कि हम अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को पास कर पाएँ. प्रेयर गिव्स अस पीस. जब हम प्रे करते हैं हमें पीस भी मिलती है. हाउ शुड वी प्रे? हमें प्रे कैसे करना चाहिए? वी शुड प्रे विदाउट डिस्ट्रैक्शंस. हमें बिना परेशानियों के प्रे करना चाहिए. जैसे कुछ दिन पहले प्रीचिंग में सिखाया था कि कोई एक घंटा प्रे करता है और एक घंटे प्रे करने के बाद, लगातार प्रे करने के बाद उसने एक फ़ोन कॉल अटेंड कर लिया. उस एक फ़ोन कॉल के वजह से वो अपना गिफ्ट नहीं ले पाया. इसलिए हमें बिना डिस्ट्रैक्शंस के प्रे करना चाहिए. कुछ रीजंस कि हमें प्रे करने से कुछ रीजंस कि हम क्यों प्रे करते हैं. प्रेयर अट्रैक्ट्स गॉड. हमारा और गॉड का संबंध बनता है. प्रेयर गॉड को लेके आता है हमारी जगह पे, संगति पे. प्रेयर मूव्स एंजल्स. जब हम प्रे करते हैं एंजल्स भी अपना काम करना स्टार्ट करते हैं. प्रेयर अटैक्स डीमंस. जब हम प्रे करते हैं डीमंस अपना काम करना छोड़ देते हैं. प्रेयर मेक्स यू हैप्पी. जब हम प्रे करते हैं हमें खुशी मिलती है. प्रेयर ब्रिंग्स पीस. जब हम प्रे करते हैं हमें पीस मिलता है. प्रेयर हील्स यू. जब हम प्रे करते हैं हमें चंगाई मिलती है. प्रेयर हेल्प्स यू ओवरकम सिचुएशन. जब हम प्रे करते हैं हम अपने लाइफ के बहुत सारे सिचुएशंस को पास कर सकते हैं. ड्रॉ क्लोजर टू गॉड. जब हम प्रे करते हैं परमेश्वर और हमारा रिलेशनशिप डीपर होता है. कीप्स यू इन गॉड्स विल. जो हम प्रे करते हैं हम परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं. आमीन. थैंक यू. आइए आराधना की दल आएंगे और हम आराधना में जाएंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पास्टर जी लेंगे और बहुत सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. तो आज प्रार्थना करने से दूर मत हटिएगा. अगर आपका नाम लिया है प्रार्थना करने के लिए तो प्रार्थना जरूर कीजिएगा. और अगर नाम नहीं लिया तो अपने हाथ को उठाइएगा कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. आमीन. आइए इस टाइम हम प्रार्थना करते हैं. खुदावंत यीशु, धन्यवाद करते हैं जैसे ईव ने आज हमें सिखाया कि क्यों प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना करने से क्या होता है. परमेश्वर, तूने हमें सर्वेंट, एक सेवक के रूप में नहीं परंतु अपने मित्र के रूप में बुलाया. जैसे मूसा तेरा मित्र था, तेरे सीक्रेट्स को, तेरे गुप्त बातों को तो मूसा से करता था पिता. आज खुदावंत हमारी प्रार्थना है खुदा कि आज हम तेरे सेवक नहीं, तेरे मित्रों के रूप में बुलाए गए हैं. और आज हमसे ऐसी ऐसी बातें करना खुदा, ऐसी चीजों को रिवील करना जो तूने कभी किसी भी जन से नहीं किया हो. आज हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज हम तेरे मित्र बनना चाहते हैं. आज ये समय जब हम प्रार्थना में बिताते हैं पिता परमेश्वर, मेरा और तेरा, हमारा और आपका संबंध और क्लोजर और गहरा हो पिता परमेश्वर. धन्यवाद, तूने हमें गहरे प्यार से प्रेम किया है पिता परमेश्वर. वचन कहता है कि एक माँ एक दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है परंतु मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नहीं भूलूंगा. धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए खुदावन. धन्यवाद वो प्रेम जो तूने उस कलवरी क्रूस पे दिखाया,
जो कोई और नहीं कर सकता था, वो कतरा कतरा खून जो तूने हमारे लिए बहाया खुदावंत। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद हमें चुन के अलग करने के लिए, धन्यवाद हमें बेटा और बेटी के रूप में बुलाने के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू धन है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, हमारे लोग हमें भूल सकते हैं पिता परमेश्वर, पर तू नहीं भूल सकता पिता परमेश्वर। गहरे प्यार से आपने हमसे प्यार किया पिता परमेश्वर, मां से ज्यादा, दुनिया से ज्यादा परमेश्वर पिता। आज ऑलमोस्ट 12 बज चुका है पिता परमेश्वर, अगला 6 आवर्स है प्रभु, एक नए दिन शुरू हो चुका है पिता परमेश्वर, इस शनिवार शुरू हो चुका है पिता परमेश्वर ऑलमोस्ट है प्रभु, हम आपकी प्रेजेंस में नेक्स्ट 6 आवर्स बैठने वाले पिता परमेश्वर। प्रभु हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रेजेंस में सीख पाए, पढ़ पाए, समझ पाए, प्रार्थना में चल पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 84, किसी को भी माइक दे दीजिए, भजन संहिता 84 हम मिलके पढ़ेंगे, आवाजों को उठा के किसी को भी माइक दे दीजिए, जोर से आप पढ़ लीजिए। आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, गद्दे में बैठ सकते हैं, मेरे पास आके बैठ सकते हैं, जहां बैठना है कंफर्टेबल होना चाहिए, बस प्रार्थना होना चाहिए आज के दिन में, स्टेज में भी बैठ सकते हैं, जहां भी बैठो आज क्या होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। देखो छोटा लड़के तक उठ के प्रार्थना कर रहे हैं है ना, बहुत सारे लोग कारपेट में बैठ के देख रहे हो आप, कारपेट नहीं क्या ना, मैं ब्लैंकेट के अंदर। भजन संहिता 84 हम सब मिलके पढ़ेंगे, इसमें 3 वर्ड 3 बार बाइबल में एक ही बार बोलेगा तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक भजन संहिता के अंदर 3 बार लिखा हुआ है लॉर्ड ऑफ होस्ट मींस सेनाओं का परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करेंगे सेनाओं का परमेश्वर, इसी में लॉर्ड ऑफ होस्ट बहुत बार, और जहां हमें सबको जरूरत है वार करने का परमेश्वर। और मैंने जैसे अंग्रेजी सभा चल रहा था मैंने लाइटली बोला, जब भी हमारी हमने नाइट प्रेयर किया उसके बाद एक सीजन ऑफ चेंजेस देखा,
नाइट प्रेयर में अरेंज करना, बैठना, सबसे पहले मुझे लड़ना पड़ता है अपने आप से नाइट प्रेयर बोलने के लिए, यार ये कैसे बैठेंगे, मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगला दिन दो तीन 50 अरेंजमेंट्स करना पड़ता है, छोड़ो। उसके बाद हम जाते हैं, तो मेरा विश्वास है हम जीत को देखेंगे, विक्ट्री को देखेंगे। और जैसे हम नाइट प्रेयर प्रार्थना करते, मैं और पास्टर दी प्रार्थना करते, परमेश्वर ने आज भी मुझे बाइबल में बहुत जगह डेविड लड़ाई वो प्रार्थना करते थे डेविड को और इसराइल को, परमेश्वर बोलते तुम जाओ अगला दिन उनको मैंने तबाह कर चुका, तुम जाओ कलर करके लेके आओ। और मेरा विश्वास है कुछ 2-3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर आप देखेंगे आप जो चीज आपने प्रे किया और आप जाके विक्ट्री अवार्ड कलर करके आया, खेला कोई और आपके आएंगे आशीष। क्योंकि इसराइल हर बार यरीहो का दीवार को गिराया, उनकी ताकत सामर्थ्य नहीं, क्या गिराया, उनकी हालेलुया के नारे जब लगाए, प्रार्थना किया, 7 दिन वो गिराए। क्रिश्चियंस की लड़ाई कैसे होते, प्रार्थना में। हम अभी लड़ रहे हैं, लॉर्ड ऑफ होस्ट से हम लड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो भी विषय हम उस विषय अलग अलग विषयों के अकॉर्डिंगली प्रार्थना करके जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रार्थना का बहुत सारे बुक्स पढ़ते, प्रचार सुनते प्रार्थना के बारे में, बट प्रार्थना नहीं करते। सुनते बहुत, प्रार्थना करना चाहिए, प्रचार भी सुनते, आजकल प्रचार के बीच में भी हम प्रार्थना करते जाएंगे। इसलिए वर्शिप टीम आप अच्छा होगा सामने ना बैठे, क्योंकि आपको बीच में आते जाते रहना पड़ेगा, उससे अच्छा थोड़ा एक कुछ टाइम के लिए देखो, हो सकता है 6 बजे तक भी ना ना, आप जहां हम चाहिए बैठ सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। जैसे सिस्टर पढ़ेंगे उनके साथ हम पढ़ेंगे, फिर ब्रदर करण आपने प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है सेनाओं का परमेश्वर से, प्रार्थना करना है। सिस्टर पढ़ेंगे और हम सब मिलके पढ़ेंगे सिस्टर के साथ भजन संहिता 84। माइक दे दो, आज माइक दे दो हमारी सब नॉन बंदे, हे सेनाओं के यहोवा, इकट्ठे पढ़ेंगे सब, उठाइए, उठा लिया भजन संहिता 84, जोर से पढ़ना। हम प्रार्थना किससे कर रहे, सेनाओं का परमेश्वर से। हम प्यार करने वाला परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु के अलग अलग नेचर क्वालिटी है, बट इस टाइम हम एड्रेस किसको कर रहे हैं, सेनाओं का परमेश्वर, वी आर एड्रेसिंग सेनाओं का परमेश्वर। रेडी, 1 2 3, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा और शूपाबेनी ने घोंसला बना लिया, जिसमें वे अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्नान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्ट के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्रदर प्रे, सेनाओं का यहोवाओं को आज प्रार्थना करो, सेनाओं का यहोवा, अपने आवाजों को उठाते हुए एनर्जी के साथ, अगर 4-5 मिनट्स है, सेनाओं का यहोवा से प्रार्थना करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, पिता आज सब पूरी तेरी संगति में बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है पिता, तू सेनाओं का यहोवा है पिता, तेरा वचन कहता है कि उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है पिता परमेश्वर, तो उनका उनकी ताकत ही कुछ और है जिनके पीछे तू है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस चर्च में जितने भी हम लोग बैठे हुए पिता, हमारे बीच की जितनी भी कोई दीवार, कोई अड़चन हमारे काम के बीच में, हमारे परिवार के बीच में, हमारी सेहत के बीच में, हमारी आत्मिक जिंदगी के बीच में आती है पिता, तेरे नाम से तेरी ताकत से क्षण भर में छू मंतर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर,
ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं वो परेशानी मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तू ताकतवर परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तू कमज़ोर नहीं मेरे पिता परमेश्वर, तू तो जिसकी ढाल भी बन जाए पिता उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे पिता परमेश्वर। हर शैतान की युक्ति, हर उस बुराई की ताकत को, हर वो बुराई की ताकत जो हमारी तरफ आँख उठाकर भी देखती है वो पिता परमेश्वर तेरे को पीछे खड़ा देखकर गायब हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारी ताकत है मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारा बल है मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा एक एक जन को तेरे हाथ में देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर जन जो हमारे साथ खड़ा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, हर जन जो मेंटली फाइनेंशियली किसी भी तरीके से हमारी भलाई सोचता है मेरे पिता परमेश्वर, उसको तेरे हाथ में देता हूँ मेरे पिता। उसके आने वाली सब दुविधा जो भी परेशानियाँ उसकी हैं पिता परमेश्वर वो जाती रहे मेरे पिता परमेश्वर। आत्मिक जिंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं मेरे पिता वो भी तेरे नाम से हटती चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता तू अकेला नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, तू तो अकेला ही सब ताकतों के बराबर है मेरे पिता परमेश्वर, तू अकेला ही सब ताकतों के बराबर है मेरे पिता परमेश्वर। एलिया ने देखा कि क्या, चेला डर गया कि हम तो हार रहे हैं पीछे, उसने कहा नहीं देख हमारे पीछे जाके देख कि कितने लोग हैं, उनकी आंखें खोल, जितने भी लोग हैं पिता हमारे चर्च में इनकी आंखें खुलें और ये देखें कि तू इनके पीछे है मेरे पिता परमेश्वर, इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करने पाए पिता, तेरी ताकत को महसूस कर सके मेरे पिता परमेश्वर। हर एक छोटा बच्चे से लेके बड़े तक, बड़े बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चे तक, हर कोई ऐसे सुफुर्ती से भरा हुआ हो कि तू उनके अंदर वास करता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे प्यारा 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 साथ तेरा हमारे साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारी ताकत रहे, एक एक जन हजार के सेना, एक एक बंदा एक एक सेना के बराबर हो मेरे पिता परमेश्वर। चाहे वो किसी भी काम में उतरे मेरे पिता परमेश्वर, वो कमाने उतरे तो ऐसे, वो घर के काम में उतरे तो ऐसे, अगर वो प्रार्थना करने उतरे पिता तो वॉरियर बन के आए मेरे पिता परमेश्वर, प्रेयर वॉरियर मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता परमेश्वर। वो जो भी करे, जो भी एक एक बंदा जब प्रार्थना करे तो पिता स्वर्ग का सिंहासन, तेरे सिंहासन तक आवाज पहुंचेगी मेरे पिता परमेश्वर, तेरे सिंहासन तक हमारी प्रार्थनाओं की आवाज पहुंचेगी मेरे पिता परमेश्वर। तेरा सिंहासन देखेगा दूर से कि ये टेंपल ऑफ मोस्ट हाई गॉड में कौन सी प्रार्थना हो रही है, ये कौन से लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा नाम ऊंचा रहे मेरे पिता परमेश्वर, सारी महिमा और जलाल तुझे ही मिले मेरे पिता परमेश्वर, सारी महिमा और जलाल तुझे मिले मेरे पिता परमेश्वर। जो भी जन यहाँ वॉलंटरी करता है मेरे पिता परमेश्वर, उनकी एक एक जन इस लायक हो के पूरी चर्च को सर्वगुण संपन्न हो मेरे पिता, कोई भी एक एक बंदा एक एक काम कर सके, एक एक जन एक एक काम कर सके मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद है पिता, क्वायर टीम हो तो वो मीडिया टीम भी बन सके, मीडिया टीम क्वायर टीम भी बन सके, हर बंदा अपने आप में संपूर्ण हो, संपूर्ण हो। हमारी छोटी कलीसिया पिता ये एक ऐसे वॉरियर, ऐसे पिलर बने पिता परमेश्वर जिनके ऊपर बड़ी चर्च का निर्माण हो सके मेरे पिता परमेश्वर, वो मेगा चर्च बनेगी पिता परमेश्वर, मेगा चर्च बनेगी मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, सेनाओं का परमेश्वर हम आपकी प्रेजेंस में आते हैं पिता परमेश्वर। ये जो प्रार्थना इस टाइम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, हम जानते जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे पीछे आप स्वर्ग दूतों को रिलीज कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा प्रार्थना है हर लोग जो फाइट में पिता परमेश्वर, फास्टिंग में, उपवास में, प्रभु जो दानियल के लिए मिखाएल को रिलीज किया परमेश्वर, मेरा प्रार्थना है हम सबके लिए फाइटिंग एंजल्स रिलीज कर पिता परमेश्वर। हमारी आगे आगे चलने वाला, हमारी आगे आगे चलने वाला, हमारी आगे आगे चल के हमें ध्यान रखने वाला प्रभु, हम घुटने में होंगे, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। एक दिन मैसेंजर एंजल्स इसी 21 दिन के बाद आने वाला है और हमें बोलने वाला, मैं फाइट में था जब तूने पहला दिन पुकारा, जब तू फर्स्ट डे नाइट प्रार्थना में बैठा, मैंने ऑलरेडी तेरे लिए आशीषों को, अनुग्रहों को, दया को रिलीज किया। ये तेरी आशीष, ये तेरी अनुग्रह, ये तेरी प्रार्थना की जवाब, तेरी 12 साल की प्रार्थना की जवाब, तेरी 24 साल की प्रार्थना की जवाब। लमारी खुशो खुरबो थीरा खलाबा रबाल, हमारे संग संग है यहोवा का परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा, हमारे संग संग है यहोवा का परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया,
जीत देने वाला परमेश्वर, हमें जीत देने वाला परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी प्रार्थना करे इस टाइम, यीशु मसीह की फॉरगिवनेस, दया हमारे ऊपर और परमेश्वर का ब्लड, यीशु का लहू अपने ऊपर। आज हम सीरियस प्रार्थनाओं में जाने के पहले फॉरगिवनेस चाहेंगे। आज हमें प्रार्थना मांगना है, अपने आप को प्रभु के सामने तौबा करना है और परमेश्वर को बोला, प्रभु मैं आपके सामने अपने पापों को, और ऑन बिहाफ दानियल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हमारी पापों की, हमारी पूर्वजनों की, हमारी आने वाली इस पीढ़ियों की पाप के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ देम आज हम यीशु मसीह से फॉरगिवनेस आज मांगेंगे। प्रभु दया कर, क्षमा कर हमें, और यीशु का लहू में हमें कवर करने के लिए। कोई भी माइक उठा लीजिए, पहले प्रार्थना ये कर लीजिए, फॉरगिव, कवर, कवर अस विद ब्लड। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम पापी हैं पिता, हमने माँ के गर्भ में पाप से आए लॉर्ड जीसस, हमें क्षमा कर लॉर्ड। हम हमारे पूर्वजों ने भी पाप किया, पीढ़ी से पीढ़ी पाप करते आई है लॉर्ड जीसस, हम क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर लॉर्ड जीसस। तूने दानियल को बचाया पिता परमेश्वर, तूने लाजर को जिलाया लॉर्ड, तू हमें भी जिला सकता है लॉर्ड। तू हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुन पिता, अपने पवित्र गाढ़े लहू में कवर कर लॉर्ड। तू हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जीवित हुआ, जीवित परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा, यहोवा राफा, तू हम पर दया कर, यहोवा निसी हम पर दया कर, हम पर दया कर, तेरी दया और कृपा चाहते हैं लॉर्ड, हम पर दया कर पिता, हमारे हमें क्षमा कर लॉर्ड पिता परमेश्वर, अपने पवित्र खून में छुपा ले, अपने पवित्र लहू का बाड़ा लगा दे पिता परमेश्वर, इस पूरी कलीसिया को तू अपने पवित्र लहू में छुपा ले, पवित्र पंखों में छुपा ले पिता, आँख की पुतली के जैसे संभाल ले लॉर्ड जीसस, हमारी सहायता कर, मदद कर लॉर्ड, हर एक कमी घटी को पूरा कर लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा सम्मान जलाल तुझको देते हो, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 13:24 से लेके, मत्ती सुसमाचार अध्याय 13:24 से लेके 30 तक। उसके पहले कोई प्रार्थना करें, हमें आज स्ट्रेंथ दो पूरी नए ढंग से। एक तो टाइम काटना अलग होता है, जैसे आप स्कूल में टाइम काटते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक निकलवा देते हैं यार देखते देखते, और दूसरा होता है एंजॉय करके सचमुच में प्रार्थना करना। दोनों प्रार्थना में फर्क होता है, प्रभु जानता है एक तो कौन सी निपटा रहे, अरे करना है यार आज आ गया, अब तो ऑटो मिलेगा नहीं, फंस गया, जोश में तो आ गया मैंने, अब तो पुलिस भी पकड़े सुबह जाएंगे, फंस गया। और दूसरा होता है मैं प्रभु 6 बजे आ गया तो बोलेंगे परमेश्वर जल्दी क्यों खत्म हो गया। वो एटीट्यूड में हम सब प्रार्थना करें, है ना, मैं भी मेरे को भी पता है मेरे टाइम 10 बार देखते हैं, तो आज सबको वो स्पिरिट दे परमेश्वर। कोई भी प्रार्थना माइक उठाइए, प्रार्थना करिए, प्रभु हमें ऐसे स्पिरिट दो, हम सब लोग प्रार्थना करें मिलके, और स्ट्रेंथ दो सुबह तक सोने का ना, और बच्चे बड़े सब लोगों को स्ट्रेंथ दो परमेश्वर प्रार्थना के लिए। किसी को भी माइक पकड़ा दो, परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ दे प्रार्थना। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने दिया प्रभु। आपने ये समय हमारे लिए दिया है प्रभु, ये समय आपने चुन के हमें अलग करके दिया पिता। हम तेरे सम्मुख में आते हैं, तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, हालेलुया। आज इस इच्छा के साथ हम बैठते हैं कि प्रभु तेरे सम्मुख में जब हम बैठने वाला वो एक एक पल, एक एक क्षण जो है, वो आज आपकी आत्मा के अभिषेक के साथ एक नए वरदान को यहाँ से प्राप्त करते हुए, एक नए मसे को यहाँ से प्राप्त करते हुए प्रभु, आज के दिन में हम जब यहाँ पर बैठ कर तेरे सम्मुख में बैठे हैं प्रभु, वो समय सारा प्रभु आले लिया तेरी हुजूरी में बैठ कर दिल के साथ, मन के साथ, जिस प्रकार गीतकार कहता है तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, उसी प्रकार प्रभु तन मन धन से हम यहाँ पर पूरे एकाग्रता के साथ प्रभु तेरे सम्मुख में बैठने के लिए आज इस क्षण से लेकर सुबह जब तक हम तेरे सम्मुख में बैठे हैं, चाहे वो 6 से ज़्यादा भी क्यों ना हो प्रभु, उस वक्त के लिए भी तू हमारी मदद करना प्रभु। तूने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है, तेरा धन्यवाद प्रभु। जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक एक के मनों के अंदर तू कार्य करना, तू आज उनकी प्रार्थनाओं की विषयों को जो उनके मन के अंदर गुप्त है
हृदयों को जांचने वाला हमारा परमेश्वर तू होने के नाते तू आज उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, उनकी प्रार्थनाओं को, उनके मन की तमाम वेदनाओं को जानकर उनके जीवन को तू आज बदल देना प्रभु हालेलुया। आज की प्रार्थना सभा उनके लिए अनुग्रहित और आशीषित और उनके जीवन में एक बेदारी का कारण बनने के लिए प्रार्थना मांगते प्रभु। आदर आपको, महिमा आपको, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पढ़ेंगे हम मत्ती अध्याय 13:24 से लेके 30 तक। पढ़ लीजिए, पास्टर दी तो पढ़ता ही, आज कोई अलग माइक उठाओ पढ़ो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। अब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थन के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोए था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हम आज प्रार्थना करने के टाइम में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम, बहुत सारे चीज आप भूल गए, अभी आपको याद आने वाला है। आपको बहुत सालों पहले जो चीज भूल गए अभी याद आएंगे, पेन रखना, क्योंकि प्रेयर में बैठने के टाइम दुष्ट शक्ति डेविल क्या याद करवाते हैं। ऐसे हम 6 साल से करते, कोई चक्कर ही नहीं है, बट अभी आपको याद आएगा, मैंने किचन में वो साफ नहीं किया, मैंने ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगला 6-7-8 घंटे साधन को बोलना, अगला 8 घंटे भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको याद कर लेना, थैंक यू बोलना, ठीक है मुझे तूने याद करवाया। तो बहुत बार हमारी अटेंशन खींचने के लिए क्या करता है डेविल, ये याद कराता रहेगा, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमें इधर जाएं, उधर जाएं। जैसे ईव ने अभी याद करवाया, हम 1-1.5 घंटा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वो प्रार्थना से जैसे हमें ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, पर हम उड़ जाते हैं चाय पीने के लिए, बाहर जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, फिर वो दोबारा से शुरू करना पड़ता है। सो आज आप प्रार्थना में बैठने के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद कराएंगे। तो बोलना, ठीक है भाई मैं बाद में करूंगा, देखूंगा। अच्छा, इसमें मेहनत करने वाले ने मेहनत कर लिया, बट जंगली पौधे कब आके डाला, जंगली का बीज रात को क्या कर रहे थे? एक बार अपन पढ़ते हैं 25। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज, आपकी उसकी बेरी कब आके वो काम किया, गलत काम, जब वो सो रहे थे, जब वो सो रहे थे, ठीक है जी, रात में सोना चाहिए, सोने का टाइम है, बट गार्ड मैन सो रहे थे। गार्ड लोग रात में सोने के लिए नौकरी पर रखते हैं? नहीं। तो गार्ड सो गया तो गलत है, उसका नौकरी उड़ सकता है। नाइट प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम हमें सोने का नहीं। कुछ लोगों को परमेश्वर इंपॉर्टेंट काम देते हैं। देखो गार्ड में भी अलग होता है, 7,000 में नौकरी करने वाला भी है और बैंक की बड़े ट्रेजरी में काम करने वाला, करोड़ों कमाने वाला भी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज को गार्ड करते हैं। मैं और आपको रात में अभी परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि ऐसे जंगली गलत काम जो लाइफ में हो रहा है, जो सातान बो रहा है, उसको हम काट सकते हैं, ऐसे हो ना पाए। बड़े बड़े कांड कब होता है? दिन में, रात में। शाम को एक पॉलिटिकल पार्टी सोते, हमारी इतनी सीट हो गया, वो सुबह उड़ता है, दूसरी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई और सरकार बना देता है। हमने देखा भी महाराष्ट्र में, 6 बजे कोई रात में सोया, कोई मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बट सुबह उठा कोई और बना। तो रातों रात क्या होता है, गेम सीस्ट बन जाता है, बड़े बड़े प्लानिंग्स, एक्टिविटी, सब चीज़ रात में होता है, रॉबरीज रात में होता है। तो रात की टाइम सोने का टाइम है, बट परमेश्वर बाइबल में बार बार बोलता है रात का प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अकेला प्रार्थना करना, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम रात में प्रार्थना करना, अकेला बैठना बहुत मुश्किल है। एक तो रात में कोई आवाज़ नहीं है, नींद बहुत जल्दी आता है, बट जब हम संगति में बैठते, एक तो यूनिटी में प्रार्थना भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ क्या है, डर भी होता है मैं सोऊंगा तो, दूसरा
क्या हो रहा है, देख ना जाए तो। बट इस चक्कर में हमें क्या हो जाता है, थोड़ा हम जबरदस्ती बैठ के प्रार्थना भी करते हैं कुछ, कभी कभार जबरदस्ती भी अच्छा होता है। गड़बड़े काम कब होता है, जादू टोना कब होता है, रात को होता है, गलत काम रात को होता है। हम रात को जब सोते हैं हम अनकॉन्शियस होता है, हमारी गार्ड डाउन होता है, उस टाइम बुरे सपने आते हैं। बहुत बार बहुत लोगों ने सुन के देखा, मैं रात में गंदे सपना देखा, ये सपना देखा, उसके बाद मेरे लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गया, परेशानी शुरू हो गया, बीमारी शुरू हो गया, आपने सुना बहुत सारे लोग बोल के, मैंने भी सुना। तो रात में डेविल क्या करने की कोशिश करते हैं, ये बीज डालने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो उसी टाइम हमें क्या करना चाहिए, इस टाइम उसकी अगेंस्ट प्रार्थना करना है। हमें समझना चाहिए, भैया आज मैं बैठा हूँ, अगला छः महीना नहीं, मेरी जिंदगी में शैतान को आसपास भी आने का हिम्मत नहीं होगा मेरे को, मैं ऐसे प्रार्थना करूंगा आगे। तो हमें इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, क्या आके डाला, जंगली बीज, कब सो रहे थे और मालिक के पास गए, मालिक ने क्या बोला, उस बीज जो बोया। एक चीज और, सोने के टाइम, मतलब हमारी टाइम हम मार तब खाता है जब थोड़ा सा केयरलेस होता है। बड़े बड़े नेता कहाँ उसका मर्डर होता है, घर पे वॉकिंग पे जाता है, इसको जरा सेट, कुछ सेटिंग हो सकता है, कहाँ होता है, मरते कब है, केयरलेस होता है। अभी विकास चौधरी किसी का डेथ हुआ था ना पिछले साल, कब मर्डर हुआ, जिम जा रहे थे, वो साथी में कोई था नहीं, तो दिन में 10 लोग होते हैं। जब मैं और आप केयरलेस होता है, हमारी बिजनेस में भी, करियर में भी, प्रेयर लाइफ में भी हम केयरलेस होते हैं, कभी कभार होता है ना, जब थोड़ा बहुत सेट हो गया, छुटमुट थोड़ी बहुत आशीष आ गया, दाल रोटी चलना शुरू हो गया, फिर हमें बुधवार प्रार्थना में जाने के लिए ठंड लग जाता है, नाइट प्रेयर थोड़ा दिक्कत है, चल रहा है ना काम। तो केयरलेस होने का टाइम क्या होता है, केयरलेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, लापरवाह, जो हम कॉलेज में स्कूल्स में दुकानों में करते हैं, काम भी करते हैं, उसका नाम है लापरवाही, है ना। उस टाइम क्या होता है, जंगली, अगर उन्होंने केयरफुल होके बैठा हो तो आ जाता, और पूरा बंदूक ला के लाइट शाइट ला के सब बैठा होता तो आसपास भी नहीं आता। तो आपको गार्ड करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है। और क्या 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 बीज उन्होंने बोया वो अपन देखेंगे, वर्स 26 पढ़ लीजिए, जो पढ़ रहे थे। जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। एनिमी, एक किसान जब बीज बोते हैं उसको पता है कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट आएगा, है ना। सातान भी जब बीज बोलता है वो क्या करता है, पेशेंटली वेट करता है। जब आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ बीज बोता है, आपके बच्चों के लाइफ में कुछ बीज बोता है, आपके हस्बैंड की लाइफ में, वाइफ के लाइफ में, कलिशा में, बीच में कुछ ना कुछ जंगली पौधे वो करता है, वो क्या करते हैं, पेशेंटली वेट करता है। तो खुदा भी पेशेंटली वेट करता है, मेरी और आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, परमेश्वर ने मेरे साथ जिंदगी में कुछ इन्वेस्ट किया, प्रभु वेट कर रहा था कब रिजल्ट लेके आएगा। सेम वे कौन भी एक्सपेक्ट कर रहा है ये काम होगा, सैतान भी एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने बीज बोया भैया एक दिन तो रिजल्ट आने वाला है, इसकी जिंदगी में एक दिन तो निकलेगा। इसको हैंडल भी कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे। फर्स्ट है जो सातान जो एक बीज डालता है, डाउट। क्या है डाउट को क्या बोलते हैं हिंदी में, शक, 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 शंका या शक, दोनों है। ईव के पास सेटन आया, क्या क्वेश्चन पूछा, नहीं, परमेश्वर ने सचमुच में बोला था, पूछा, उसमें पूछा, सही तूने सुना, एक बार पूछते हैं, उसकी माइंड में क्या डाला, डाउट डाला। डेविल, दुष्ट शक्ति, मेरी और आपके दिमाग में फर्स्ट क्या डालता है, डाउट। कौन डालता है, प्रभु उतर के आता है। आपको परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने सिखाया या कोई किसी भाई बहन ने सिखाया, बताया, यही शेयर किया, तो डाउट कौन डालता है, कोई भाई बहन, प्रभु का लोग भी और शैतान के लोग भी, या आपने दिमाग में घुस के रखना, मैं सोचता केवल परमेश्वर के लोग है, बट है नहीं, शैतान के लोग भी है। तो डाउट कौन डालेंगे, परमेश्वर के अगेंस्ट, आपकी भाई के अगेंस्ट, वाइफ, जैसे आपके कुछ रिलेटिव आपके घर पे जाने के बाद घर पे लड़ाई शुरू होता है, आपने मेरी भाभी जी के बारे में कैसे पता चला आपको, है ना, कुछ रिलेटिव्स उन्होंने क्या डाल के गया,
आप जब मार्केट में गया था बोला पता नहीं तेरी बीवी इतने टाइम क्यों मार्केट में जाता है, मैं तो यूं आलू लेके आता है, एक आलू लेने के लिए 4 घंटा थोड़ी लगाता है। उन्होंने क्या डाला आपकी रिलेशन के बीच में, डाउट डाला। और हस्बैंड उस टाइम कुछ नहीं, नहीं नहीं वो गया था, बट अगली बार आप 4 की जगह 6 घंटे लगा के आएंगे, हस्बैंड क्या बोलेंगे, भाऊजी ने बोला था, एक लड़ाई शुरू कर दिया। वो उसका बीज किसने बोला डाला, डाउट। प्रभु की वर्ड की वजन के अगेंस्ट भी डाउट आता है। आपकी मन में यीशु मसीह के अगेंस्ट डाउट आता है, सच सच बोलना आज, आता है, मेरे मन में आता है, मुझे कभी लगता है कोई मोटिवेशन नहीं आज पढ़ने का, हाथ में 1 रुपया पैसा भी नहीं होगा फिर बोलते कुछ नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं है, डाउट आता है। 500 लोगों ने 500 चीजों ने 50 चीज बोला है, सब 1 2 3 5 6 आता है। फर्स्ट डेविल क्या डालते हैं हमारे दिमाग में, डाउट। हमें प्रभु की अगेंस्ट, प्रभु परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट, कलीसिया के अगेंस्ट, एसोसिएशन के अगेंस्ट, आपकी हेल्पर्स के अगेंस्ट, आज हम फर्स्ट प्रार्थना करेंगे। जंगली जो बीज है वो क्या डालता है फर्स्ट, शंका। 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, हर डाउट, हर शक जो हमारी अगेंस्ट, हमारी परिवार में, हमारी फैमिली में, रिलेशनशिप में जो बोझ जो डाला गया वो खत्म हो जाए। एवरी डाउट, ऐसे कोई भी उसकी बीज हो खत्म हो जाए हमारे लाइफ से। माइक उठाओ, प्रार्थना करो, 4 4 3 3 4 4 मिनट्स प्रार्थना करो। हर डाउट्स परमेश्वर की वर्ड की अगेंस्ट, प्रभु की राज की अगेंस्ट, प्रोमिसेस की अगेंस्ट दिया गया, हर चीज को कैंसिल करो आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। दो उठा लिए माइक, हाथ हाथ दिखाओ, आज प्रार्थना करो। आज आपको डरने की जरूरत नहीं, माइक उठाओ। मुझे माइक पकड़ना डर लगता था, मैं आज एक स्टोरी और बताता हूँ आपको। माइक कहाँ मिलता है, माइक कहाँ पड़ा होता है, चर्च में। आपने आज ही माइक उठाया तो कोई ना कोई देखेगा माइक उठ रहा है। मैं पादरी बनने के पहले मैं सोचता भाई आप तो पादरी का काम शुरू करना है, माइक तो पकड़ना है। मैंने 8,000 रुपये खर्च करके अपने पैसे से एक छोटा सा, किसी को पता भी नहीं होगा मैंने क्यों खरीदा, याद है एक बैटरी वाली, मेरे को माइक पकड़ना। मैं सोचता यार ये आवाज़ कैसे आएंगे, मैं मेरी कमरे में रख के सुनता था, मैं बोलता तो आवाज़ कैसे आएगा सामने से, क्योंकि डर आता है कैसे होगा क्या होगा। तो आज आपको फियर जा रहे, मैं अपनी प्रैक्टिस करने की टेक्निक बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। फिर मैं काम हो गया, मैंने डोनेट कर दिया इधर उधर। तो आज आपकी डर प्रार्थना करने का, माइक पकड़ने का, 2 लोगों के सामने बोलना, सब दूर हो सकता है। उठाओ, आज कोई नहीं है, हम आसपास बैठे कुछ परिवार लोग, उठाइए। किसी ने प्रार्थना नहीं किया, माइक उठाओ, प्रार्थना करो, सब डर दूर हो जाए। मैंने बताया अपनी फटी कहानी, इसे बढ़िया कहानी तो नहीं होगा ना किसी के पास। तो प्रे फर्स्ट क्या करेंगे, किस चीज विषय के लिए, डाउट आपकी हस्बैंड के अगेंस्ट, वाइफ के अगेंस्ट, विश्वास के अगेंस्ट, प्रभु की वर्ड के अगेंस्ट, फेथ के अगेंस्ट, प्रभु की प्रोमिसेस के अगेंस्ट, हर बीज जो डाला गया हमारे अंदर। आप बोलेंगे नहीं जी मैं शुद्ध हूँ, इनको पता चला उनकी जिंदगी में क्या क्या बीज डाला था, तो आपको भी नहीं पता। हम कुछ किसी के साथ चाय पीते बोलते यार कुछ नहीं, चर्च वर्च होता नहीं, उसने क्या डाला, एक बीज डाल के छोड़ा, वो कभी भी उग सकते हैं, आगे आ सकते हैं। सो हमें पता नहीं कॉन्शियस में, माइंड में, सोचों में, विचारों में, और सोने के टाइम स्पिरिट्स, हम सो रहे थे, डेविल ने आके डाला, वो भी कैंसिल हो जाए आज हमारे रिलेटिव से, फैमिली से, फ्रेंड से, शैतान के लोगों ने जो डाला। फर्स्ट 2 लोगों को प्रार्थना करना है, करी सिस्टर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु जी, आज की प्रेजेंस के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें सामर्थ्य देना प्रभु जी कि हम सुबह 6 बजे तक परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में रहें प्रभु, तेरी रूह की आँख से भर के परमेश्वर ये प्रार्थना करें प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी मैं आज जैसे जंगली पौधे इन पेड़ों के बीच में आए परमेश्वर, प्रभु वैसे ही हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे हस्बैंड्स में प्रभु, हमारे प्रभु जो तेरे साथ हमारा विश्वास है प्रभु, उसमें प्रभु जो भी शक की स्पिरिट काम करती है प्रभु, इसी समय तेरे नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है दुष्टों ने जो पौधे लगाए प्रभु, प्रभु एक लिमिट के बाद प्रभु वो पौधे काट डाले जाएंगे प्रभु, वो यरीहो की दीवारें तोड़ी जाएंगी परमेश्वर। प्रभु जैसे आपने यहोशू को कहा था दृढ़ रख चलता जा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा प्रभु। प्रभु
आपने प्रभु हमें भी प्रभु कई बार हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं प्रभु, हम उन परेशानियों को प्रभु देखते हुए भी प्रभु हम इग्नोर करते हुए चले जाते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं परमेश्वर, तेरी ग्लोरी को देखना चाहते हैं प्रभु। प्रभु जी आज उस शक की स्पिरिट को प्रभु तेरे नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। प्रभु चाहे वो हमें चर्च के अगेंस्ट है, चाहे वो प्रभु तेरे शब्दों के अगेंस्ट है प्रभु, चाहे वो तेरे प्रोफेसी के अगेंस्ट है प्रभु, सब तरह की स्पिरिट को कैंसिल करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जैसे मैं लास्ट संडे प्रभु जी प्रोफेसी में भी प्रभु जी यही बात पास्टर जी ने कही थी कि जो भी प्रोफेसी होते हैं उसके बाद शैतान हमारे मन में डाउट्स डालता है प्रभु जी। प्रभु जो हम प्रोफेसी रिसीव करते हैं प्रभु जी, प्रभु उस प्रोफेसी के अगेंस्ट दुष्टता की कोई चाल काम ना कर पाए प्रभु, बल्कि प्रभु वो प्रोफेसी हमारी लास्ट तक काम कर पाए प्रभु, हम जीत के निकले प्रभु तेरे बच्चे। यहोवा तेरा वचन कहता है कि तू हमारे लिए यरीहो की दीवारें गिराता है प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे बच्चे जीत के निकलेंगे, क्राउन पहनेंगे परमेश्वर। प्रभु चाहे आज बहुत सी परेशानियों से होकर जाते हैं प्रभु, लेकिन हम ये जानते हैं परमेश्वर कि यहोवा जीत तेरी ओर से आएगी प्रभु। प्रभु आप सेनाओं के यहोवा है प्रभु। प्रभु अपने डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करना प्रभु, कि दुष्टता की कोई ताकत हमारे परिवारों में, हमारे चर्च में, हमारे फाइनेंस में, हमारे बिजनेस में प्रभु काम ना कर पाए प्रभु। कोई ताकत प्रभु हमारे बच्चों में काम ना कर पाए प्रभु। कोई ग्रोथ की स्पिरिट जो रोकती है हमारे बच्चों को परमेश्वर, वो स्पिरिट काम ना कर पाए प्रभु। इसी समय डाउट की स्पिरिट को, इसी समय उन जंगली पौधों को तेरे नाम से काटते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा प्रभु जी। प्रभु आज जंगली पौधों को तेरे नाम से काटते हैं प्रभु। प्रभु इन जंगली पौधों को तेरे नाम से काटते हैं और प्रभु हमारा ये विश्वास है कि वो स्वर्ग में भी कट जाएंगे प्रभु। सुबह 6 बजे के बाद प्रभु उन जंगली पौधों को दोबारा अपनी लाइफ में, अपने चर्च में, अपने फाइनेंस में, अपने हस्बैंड की लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में प्रभु, तेरे साथ विश्वास में प्रभु, तेरे वर्ड्स में हम नहीं देखेंगे प्रभु, नहीं देखेंगे प्रभु, नहीं देखेंगे प्रभु। आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। एक और व्यक्ति प्रार्थना करिए, माइक उठाइए। वही हर बीज जो डेवल ने डाला गया सैटानिक डाउट्स के अगेंस्ट प्रार्थना करो। खूब मौका है, बहुत प्रे करेंगे। ये मत सोचना आज मौका चला गया तो मेरे पास नहीं है, खूब सारे मौके हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू राजाओं का राजा है, तू सामर्थी परमेश्वर है पिता, और एक ही बात जानते हैं पिता, जिनका पिता सामर्थी होता है उनके बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती, उनके बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद, पिता तूने हमें जो अधिकार दिया है उस अधिकार को यूज़ करते हो। तूने हमें अधिकार दिया है कि हम सांप को और बिच्छुओं को रौंदेंगे पिता, उस अधिकार को यूज़ करते हुए, उस अधिकार को यूज़ करते हुए मैं हर उस डाउट की, दुष्ट आत्मा के ऊपर जो हमारे जीवन के अंदर हमें तंग करती है पिता, वो किसी भी तरीके से तंग करती है, चाहे वो हमें वर्ड ऑफ गॉड के खिलाफ तंग करती है, क्योंकि जो प्रॉमिसेस तूने लिखे हुए हैं वो हमें पता है पूरे होने हैं, लेकिन वो डाउट, हमारे डाउट की आत्मा हमारे दिमाग में डालती है, हमारे दिल में डालती है कि नहीं वो हो सकता है, हो या ना हो। पिता उस चीज को जो हमारे ये दिमाग में आता है, जो उन प्रॉमिसेस के खिलाफ जो तूने हमारे साथ किए हैं वो डालती है दिमाग में, मैं उस दुष्ट आत्मा को कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उसके ऊपर होली गोस्ट की फायर डालती हूँ पिता। मैं हर बिलीवर के ऊपर ये डिक्री एंड डिक्लेयर करती हूँ कि जो भी दुष्ट आत्मा उन्हें तंग करने की कोशिश करती है, उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है, जो उनके दिल और उनके दिमाग के साथ खेलती है, उन्हें परेशान करती है और उन्हें ये तंग करती है कि ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी तेरी जिंदगी में, पर ऐसा नहीं होगा पिता। मैं हर उस दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट की फायर डालती हूँ पिता। अपने दिल और दिमाग को, हर बिलीवर के, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के हर विश्वासी को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। मैं उनके दिल और दिमाग को तेरे हाथों में देती हूँ कि पिता कि कोई भी शैतान उन्हें छू भी नहीं सकता पिता, कोई भी शैतान उन्हें छू भी नहीं सकता मेरे पिता परमेश्वर। जिस किसी ने भी जो जंगली पौधे हमारे में, पहले तो सबसे पहले मेरे पिता जो चीज हम केयरलेस नहीं बनेंगे पिता, हम केयरलेस होंगे तब हमारे जीवन में ये चीजें बोई जाएंगी पिता। मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ, हे पवित्र आत्मा, मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी सहायता करो, आप हमारी सहायता करो पिता, आप हमारी सहायता करो, आप अपने विश्वास को हमारे दिलों के अंदर दो पिता, आप हमारे विश्वास को हमारे दिलों
के अंदर बो कि कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे दिल से हमारे दिमाग से खेल ना सके पिता, हमारे परिवार के साथ खेल ना सके। जो प्रॉमिसेस तूने किए हैं, जो प्रॉमिसेस तूने हमारे लिए किए वो हम देख के उनके लिए अच्छी लड़ाई लड़ सके पिता, उन प्रॉमिसेस के लिए अच्छी लड़ाई लड़ सके। वो हमें ये ना कहे कि ये होगा या ये नहीं होगा, वो होगा जो तेरे वचन में लिखा हुआ है वो डिक्लेयर है, वो होगा ही होगा पिता हमारी लाइफ के अंदर। तूने कहा है कि तू हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी ना होगी, तो हमें कोई घटी ना होगी पिता। और जब हम इस वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो कोई भी दुष्ट आत्मा जो डाउट की हमारे दिलों में डाउट डालती है आज के दिनों में, वो हमारे साथ काम नहीं कर सकती पिता। मैं हर उस दुष्ट आत्मा को, हर डाउट की, हर टेंशन की दुष्ट आत्मा को, क्योंकि पिता डाउट हमारी जिंदगी में टेंशन लेकर आता है पिता, और मैं उस आत्मा को कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर तूने कहा है, तेरे वचन में लिखा हुआ, और मुझे पता है कि ये तेरा प्रॉमिस है पिता हमारे साथ, कि जो भी हम प्रार्थना में तेरे से मांगेंगे पिता, और वो प्रतीति करेंगे कि वो मिल गया तो वो हमें मिल जाएगा पिता। कल के बाद जब आज ही अभी हमारे पास्टर जी ने डिक्लेयर किया कि सीजन ऑफ इंक्रीज है हमारी लाइफ के अंदर पिता, वो हर बिलीवर के लाइफ में वो कल से सीजन ऑफ इंक्रीज है, कल से उनकी लाइफ चेंज होगी पिता परमेश्वर, कल से उनकी लाइफ चेंज होगी। प्रभु यीशु के नाम से तेरे से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हाथों को उठाए बोल दिया, हर शैतानिक बीज मेरी अंदर, मेरी कॉन्शियसनेस में, माइंड में, सोचों में, विचारों में जो डाल रखे सातान में, कैच फायर इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। एक 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 बीज जब फायर में निकालता है वो कोई काम का नहीं, उसके अंदर की जान खत्म हो जाता है। आज बोलना, हर बीज जो डेविल ने, दुष्ट शक्तियों ने, अंधकार की शक्तियों ने, जो मेरी माइंड में, सोचों में, विचारों में, जाने में, अनजानों में, स्लीप में, बातों में, सोचों में, कैच फायर इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। कैच फायर, आग लग जाए हर शैतानिक बीज मेरी सोचों में, विचारों में, मैं सोने के टाइम, मेरी पिछली जिंदगियों में, मैं सो कोई भी हो प्रभु, हर चीज यीशु के लहू के अंडर है। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। हर डाउट की आत्मा, हर शैतानी बीज, हर शैतानी प्रेगनेंसीज, अबोर्ट, अबोर्ट, अबोर्ट इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। हर शैतानी प्रेगनेंसी सर, ओ जो अभी जन्म देने वाला है, ओ प्रेगनेंसी में मर जाएंगे जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। हर शैतानी प्लान, ओ प्लान करने वाले के कमरे में मर जाएंगे जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। ओ शैतान की प्लान हमारे परिवार के अगेंस्ट, फैमिलियों के अगेंस्ट, कलीसिया के अगेंस्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। शैतानिक प्लान के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, जो पानी उसको चाहिए, जो खाद उसको चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। वो सीड तो डाला होगा बट वो डिस्ट्रॉय होगा इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। शैतानिक एटमॉस्फेयर नहीं मिलेंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। घोषणा करो, कैच फायर, हर शैतानी बीज हमारी परिवार के अगेंस्ट, फैमिलियों के अगेंस्ट, कलीसिया के अगेंस्ट, टीम के अगेंस्ट, फाइनेंस के अगेंस्ट, बढ़ोतरी के अगेंस्ट, सक्सेस के अगेंस्ट, हेल्थ के अगेंस्ट बीज बोया गया, वो कभी उसके लिए वातावरण नहीं मिलेंगे, ओ पानी नहीं मिलेंगे, खाद नहीं मिलेंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। Destroyed every satanic pregnancies, every satanic plans, every devilish plans be destroyed in Jesus Christ's mighty name. प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, Isaiah 55 10 से 11 में लिखा हुआ, जो मेरे मुंह से निकलता है वो रिजल्ट लेके आता है, वो काली नहीं लौटता। जैसे वर्षा आता है रिजल्ट को लेके आता है, पानी आता है वो उस धरती में जब जो बीज डाला गया उसके अंदर आशीष लेके आता है। सेम वे जो वर्ड हमारे मुंह से निकलेगा आज रिजल्ट लेके आएंगे। आज घोषणा करेंगे, विश्वास करेंगे, एवरी डेविलिश, हर सातान की, अंधकार की, दुष्ट शक्तियों की चाल चलाक हमारी परिवारों में, फैमिलियों में जो बीज बोया गया, डाउट हो, कुछ भी हो, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। आज चिल्लाओ, बोलो कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। आग लगे उन बीजों के ऊपर, उन शैतानी ड्रीम्स के ऊपर जो हमारी अकेले ड्रीम्स बनाता है, षड्यंत्र बनाता है, गेम्स, ट्रिक्स, कैच फायर। Holy Ghost, fire, fire, fire! आग लगे पिता परमेश्वर, हर बीज, हर वो बीज डिस्ट्रॉय होगा। आग, तेरी आग, तेरी आग उतरे पिता परमेश्वर। रखो शुकुरी बो थोड़ा बार 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 बार। वो सुनता है सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा। वो सुनता है सबकी दुआ, वो प्यार करता बड़ा। देता वो हर पल सदा, मेरा यीशु
सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ वो प्यार करता बड़ा करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा वो प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा साथ देता वो हर पल सदा मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूसरी जो बीज जो सातान दुष्ट शक्ति अंधकार शक्ति जो बोता है वो है बैड हैबिट्स। क्या है बैड हैबिट्स? हमारे अंदर बोता है वैरन बफेट। वैरन बफेट दुनिया की दूसरी या तीसरी अमीर आदमी, वो कहते हैं यू कैन नॉट मेक गुड डील्स विद बैड पीपल। क्या है? एक बंदा गंदा बंदा है। बहुत बार मैं भी ये सोचता था कुछ बंदा गंदा बंदा है, दुनिया मुझे बोलता है भैया ये गंदा बंदा है, बट मैंने क्या सोचता है ये मेरे से तो अच्छा है। बट आज मुझे समझ आ गया एक्चुअल कलर तो कुछ दिन के बाद तो निकलेगा आपसे जो कुछ बंदे अच्छा हो आज के दिन में। बट यू कैन नॉट मेक गुड डील्स विद बैड पीपल। बैड बंदा क्या होगा? एक दिन निकलेगा उनकी गंदे। आज आपसे काम निकालने मतलब निकालने के लिए आपसे फादर पास्टर भैया बड़े भैया चाचा मामा आप मेरे गुरु हो सब बोलेंगे, बट एक दिन क्या निकलेगा? एक्चुअल कलर निकलेगा। एक दिमाग में निकालना बैड हैबिट्स ऐसे होता है हमारे अंदर बोया जाता है। जैसे किडनी स्टोन होता है उस टाइम हमारी नॉर्थ में इधर एक एडवाइस देता है किसी को किडनी स्टोन होता तो क्या बोलता है? क्या पीना? बियर पी लो। सुना है ना किडनी स्टोन होता तो क्या होता है? बियर पी लो। बियर पीने से शिशु निकलता है और क्या निकलता है? और बीमारी 50। स्टोन से ज्यादा 50 और बीमारी जिंदगी खराब होना शुरू हो जाता है। बट उसको एडवाइस बीज क्या बोया गया? ठीक हो जाएगा जी ये खा वो, सच में क्या बोला गया सिस्टर? जंगली एडवाइस, जंगली बीज था वो, गलत एडवाइस। जो हमारे अंदर कोई बंदा दुखी बैठता है क्या बोलता है कुछ लोग आके? यार दो मार के सोया कर यार, टेंशन फ्री। बंदा सही जाता होगा उसको भी एडवाइस क्या देता है? मार दो मार दियो ठंड में, थोड़ा ठंड रहने के लिए इस सीजन में कुछ दारू चलता है, मैं नाम ही नहीं ले, आप नाम मत लियो माइक में क्यों क्यों आपको सजेशंस देगा। ये सब क्या है? क्या डालते जा रहे? जंगली बीज डालते जा रहे हैं बैड हैबिट्स का, गलत कामों का, रिश्तों का। इसलिए मैंने बोला आप गंदा बंदों के साथ एसोसिएट करेगा तो लाइफ तो खराब करेगा ही। जैसे हम लोग कॉलेज में जाते थे, मैं और मेरा भाई दारू नहीं पीता था, बट उसके साथ मीट जूस मिलता है, हम जूस पीने जाते थे, जूस पीते पीते दारू शुरू हो गया, चकना खाने के लिए जाते हैं उसके साथ जो माल होता है। बट उससे माइग्रेट कहाँ होता है? जब हम भी दुखी होकर कोई दिन जाके बैठे कोई अपनी तसली से बोल अरे यार तू ऐसे बैठे आज कुछ नहीं होता, क्या डालते जा रहे थे? और एक दिन लीवर खराब हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, 50 ट्रबल्स में, इश्यूज में जाएंगे। इसलिए मैंने बोला गलत बंदों की संबंधी काटो, क्योंकि वो क्या करता है? परमेश्वर का बंदे भी है, शैतान की बंदे भी। आप दिमाग में रखो ये। आप बोलेंगे नहीं जी मैं 30 मार खान हूँ, मैं यीशु मसीह के चेला हूँ, मुझे कुछ नहीं होने देगा। जोसेफ ने क्या किया? गलत पोतीफर की पत्नी गलत कर रहे थे, जोसेफ उधर खड़े क्या किया? भाग गया। वो काउंसलिंग करने के लिए नहीं बैठा, समझाने के लिए नहीं बैठा। कुछ बंदों की प्रेजेंस में दारू पीते, गलत काम करता है, चोरी करता है, डकैती, इनकी प्रेजेंस एसोसिएट करना। सबको ग्रेस नहीं दिया परमेश्वर ने, आप काउंसलिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि आप उस पावर तक, उस लेवल तक तो पहुंचा ही नहीं है। इसलिए पहले किसको बचाना चाहिए? अपने आप को बचाना चाहिए। इसलिए जैसे वो एरोप्लेन में बोलता ना, वो आता है तो मास्क आता है तो पहले खुद पहनो फिर दूसरे को पहनाने जाओ। तो अब कुछ टाइम नहीं, आप जब तक मजबूत होता है आपका कॉलिंग नहीं है, सबको समझाने सिखाने जाने से फायदा नहीं होगा। तो गलत कुछ हैबिट्स क्या डालते हैं हमारी जिंदगी में? दोस्त डालते हैं, फ्रेंड्स डालते हैं, सहेलियां डालते हैं, चलना देखना, कॉलेज में जाता है लड़कियों को एडवाइस देता है, लड़कों को एडवाइस देगा। तो अभी प्रार्थना करेंगे बैड हैबिट्स की पौधे जो बीज जो डाला गया हमारे लिए। और हमारी कुछ पापा मामा लोग दारू पीते थे, गलत काम करते थे, वेश्यावृत्ति करते थे, उसका क्या कहां डाल रखा है? वो बीज हमारी अंदर डीएनए में है, वो डीएनए कैरी करता है। हम यीशु मसीह में आ गया, प्रभु में वो कर दिया, इसका मतलब ये हैबिट्स चले जाएगा?
ये टाइम लगेगा, हमें कर्सेस कैंसिल करना पड़ेगा, हमारी परिवारों ने फैमिलियों ने जो कांड किया उसका बीज हमारे अंदर है, तो इस बीज भी कैंसिल करें। कोई दो व्यक्ति उठाइए माइक, प्रार्थना करो। बैड हैबिट्स की बीज हमारे परिवार में, फैमिलीज में जो बोया गया, जाने अनजाने में, सोने में, बातों में, सोचों में, विचारों में। अच्छा, आपकी हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन है, जैसे इसने मुझे याद आया, आप ऐसे एक सहेली से दोस्ती है जो फोन में, जिसका डिवोर्स हो चुका है, एक नहीं दो बार डिवोर्स हो चुका है, वो हर बार फोन करके क्या बोलेगा, हर मैन खराब है भैया, उसने तो देखा नहीं है ना, उसको तो उसी की लायक ही मिला, उसको उसके लायक ही मिला। पानी कहां से निकल रहा है अभी, इसी चल रहा है, ठीक है। उन ऐसे बंदों के साथ बैठ रहेंगे वो क्या बीज डालते जा रहे हैं, जिसकी एक नहीं दो बार डाइवोर्स हो गया, क्या डालते जाएंगे, नेगेटिव डालेंगे। और आपकी हस्बैंड के संग बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फालतू क्या डाल रहा है, एवरी मैन आर लाइक दिस, एवरी हर आदमी ऐसे, हर आदमी ऐसे, हर आदमी। अगली बार आपकी हस्बैंड कुछ लाइटली भी कुछ बोले, आप बोलेंगे उल्टा सीधा, उस तरह से काम शुरू हो जाएंगे। क्या चीज़ बोया और आपने क्या चीज़ रिसीव किया, एक साल पहले बोला होगा। इसलिए बहुत सारे बीज हमारी ज़िंदगी में डाले जाते डालते हैं, ये एयर को हम कंट्रोल कर पाते हैं, पोल्यूशन का एयर होगा, बहुत कुछ होगा, बट हम प्रेयर ही कर सकते हैं, हम अपनी वातावरण को तो कंट्रोल कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, हम अपनी घर तो कंट्रोल कर सकते हैं। सो सेम वे प्रार्थना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट्स आता है लोगों के अगेंस्ट, बैड हैबिट्स आता है, और आपको जब बीवी के साथ लड़ाई हो गया, आपने सुना सुइसाइड उसने केस ने किया, बोलता यार मैं भी जाके करूँगा, सुशांत सिंह क्या नाम है उसको, अभी इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है, मेरा भी वैल्यू पता चलेगा। सातान आपको कान में बोलेगा तेरा वैल्यू इनको पता नहीं यार, सुइसाइड करके दिखा, है ना, हम सोचते हैं ना मेरा वैल्यू पता नहीं है, तो एक बार सुइसाइड कर, मैं इस धरती में नहीं है तो इनको पता चले मेरा वैल्यू, किसको गया, बीवी दो साल उसके ऊपर, तो वो फिर दूसरी देखेगी, कोई वैल्यू नहीं। कौन क्या डालते जा रहे, फॉलो कर पा रहे ना आप, या नींद में आज आधा हो गया जी, मैं पक गया, नहीं प्रार्थना करें। मैं इसलिए बीच बीच में अपनी एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ आपको बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि अपनी एक्सपीरियंस से मैं सिखाता हूँ। हम सब लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस सीखना, बट मेंटरशिप क्या होता है, एक्सपीरियंस सीख पाता है विदाउट पेन। मेंटरशिप क्या है, दर्द लेके एक्सपीरियंस सीखना चाहते हो, एक्सपीरियंस दर्द झेलना पसंद नहीं है, इसलिए एक्सपीरियंस है उस कार्य में, बता रहा हूँ आपको फ्री विदाउट पेन मिल रहा है। सो प्रे, दो बंदा माइक उठाइए, प्रे अगेंस्ट बैड हैबिट्स, हमारी सोचों में, विचारों में, ध्यानों में, सबने डेवल ने दुष्ट शक्तियों ने डाल रखा है, इसके अगेंस्ट अपन प्रे करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आवाज उठा के सिस्टर उठा के जोर से आवाज में प्रार्थना करना, परमेश्वर कि आज हम तेरे इस पवित्र भवन में यहाँ इकट्ठे हो सके प्रभु, और तेरे इस सुंदर कलाम के लिए प्रभु जो हम पास्टर जी के द्वारा सुनते हैं प्रभु, कि कैसे हमें अपनी संगति को पवित्र बनाना है प्रभु, कैसे हम हर एक उस गलत संगति से दूर रह सके परमेश्वर, तो हमें वो समझ दे मेरे परमेश्वर कि हम तुझे जाने प्रभु, हमारे लिए क्या है, क्या सही है प्रभु परमेश्वर, क्या सही नहीं है मेरे परमेश्वर, चाहे वो हमारा वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारी मार्केट हो, चाहे वो हमारा कोई समाज हो प्रभु, वहां हम जाने प्रभु परमेश्वर हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है प्रभु, वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान प्रभु तू हमें दे मेरे परमेश्वर। इसलिए तूने कहा है मैं तेरे वचन को पढ़ूं परमेश्वर, ताकि हम उस वचन को पढ़ के समझ बुद्धि लाए मेरे परमेश्वर, और तेरे उस वचनों के अनुसार चले वाले बने प्रभु परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, यशा की तरह हमें प्रार्थना करना सिखा, कि कैसे वो घुटनों पे आके प्रभु तुझसे प्रार्थना करता था प्रभु, तुझसे मांगता था रो रो के प्रभु परमेश्वर, कि मुझे बुद्धि सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, ताकि मैं इन लोगों को तेरे बारे में समझा सकूं, जो भविष्यवाणी है उसके द्वारा तूने दुनिया में दिए प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर, हमारे बीच में दे अगर कोई भी ऐसा है परमेश्वर जो हमें गलत संगति में ले जाता हो प्रभु, उसको हमारे जीवनों से दूर कर मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज के समय के लिए प्रभु, जो इस वक्त तेरे इस भवन में है मेरे परमेश्वर, इनको समझ दे, बुद्धि दे प्रभु, ज्ञान दे प्रभु, कि समझे प्रभु परमेश्वर कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है प्रभु परमेश्वर। हम तेरे बच्चे हैं मेरे परमेश्वर, तूने हमारे लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया प्रभु, उस लहू के वसीले से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे
पूर्वजों के किए हुए पापों को प्रभु तू हम पे ना डाल मेरे परमेश्वर, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर, उस बोझ को लेके हम नहीं चल सकते मेरे परमेश्वर। मैं अपना बोझ, अपने परिवार का बोझ प्रभु आप पे देती हूँ मेरे परमेश्वर। जो भी कर्ज है प्रभु परमेश्वर तू जानता है प्रभु, हम निर्बुद्धि है प्रभु परमेश्वर, अपने शरीर में लायक नहीं है मेरे परमेश्वर कि हम उस बोझ को ढो सके मेरे परमेश्वर। तूने कहा है मेरे बच्चों मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझ पे उतार ताकि तुम शांति पाओ मेरे परमेश्वर। मैं आपसे शांति की भीख मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, हमारे जिंदगी में प्रभु आपके नाम से शांति आए प्रभु परमेश्वर। हमारे बच्चों के साथ होना प्रभु परमेश्वर, उन्हें तू अपने अनुग्रह में चलाना मेरे परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं उनके परिवार के साथ होना मेरे परमेश्वर, उनके बच्चों के साथ होना मेरे परमेश्वर, कि उनके पूर्वजों का कर्ज उन पे ना आ सके प्रभु, वो कर्ज तेरे नाम से प्रभु दूर हो प्रभु, तेरा वो बेशकीमती लहू प्रभु हमारे लिए जो बहा है प्रभु, उस खून के पसीने से प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सारे कर्ण सारे पाप प्रभु हमसे दूर हो मेरे परमेश्वर, हमें पवित्र कर प्रभु मेरे परमेश्वर, हम पवित्र होके तेरे चरणों में आ सके प्रभु। तू महान महान परमेश्वर है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु, तू अनुग्रहकारी मेरा परमेश्वर है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो हमने सुना प्रभु कि हमें कैसे अपने पापों से क्षमा मांगनी है, कैसे हमें अपने पापों को दूर रखना है अपने आप से प्रभु, हमें वो समझ दे प्रभु कि हम एक दूसरे को समझे प्रभु, एक दूसरे को माफ़ करें। तूने कहा है प्रभु परमेश्वर जैसे तुम पापियों को माफ़ करते हो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ मेरे परमेश्वर, तू हम पे दया कर हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर, तू क्षमा कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। और क्या मांगू प्रभु, तेरे प्यारे मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। और एक और व्यक्ति प्रार्थना करें, एक और व्यक्ति। यस हे पिता परमेश्वर, जैसे ये वचन हमने सुना कि दो तरीके के बीज के बारे में हमें प्रार्थना करना है, आज आप संडे वाली एक्सप्लेनेशन मोड में नहीं, आंख बंद करो प्रार्थना करो। हे पिता परमेश्वर, जैसे बैड हैबिट्स हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे अंदर आप बैड हैबिट्स डालते, मैं उन दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकालने कहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, तू लोगों को भेज जो हमें प्रोटेक्ट कर सकते। पिता पिता शैतान के लोग होते जो हमारे अंदर बीज डालते हैं कि तू ऐसा कर लेगा तो क्या होगा, अगर तू बुरा काम कर लेगा तो क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमें नहीं करना है, हमें गलत संगति, हमें गलत दोस्तों को छोड़ना है, और हमें तेरे प्यारे नाम से कहता हूँ मैं, आमीन। कोई और प्रार्थना मांगना, विजडम टू आइडेंटिफाई कौन सी जंगली बीज है, कौन सी प्रभु की ओर से बीज है। कोई प्रार्थना करे, बुद्धि देना परमेश्वर, प्रभु बीज डालता है वचन अलग अलग चीज, परमेश्वर भी बीज डालता है साथ। किस कोई और प्रार्थना करे, एक और व्यक्ति, हमें बुद्धि दे। कोई मुझे आंख भी नहीं दे रहा। खुदावंद यीशु, इस टाइम हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिस्टर मांग रहे थे, नहीं ब्रदर मांग रहे थे। मैं भी क्लास में ऐसे था, मतलब टीचर को देख, जैसे हम पुलिस वाले खड़े हैं तो उसको देखते ही नहीं है ना, सीट बेल्ट ना पहना तो भी ऐसे मतलब इतने कॉन्फिडेंस से जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता, एक बार फिर तेरी संगति में आते हैं पिता परमेश्वर। पिता तू सुलेमान का खुदा है पिता परमेश्वर, जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि दी, समझ दी पिता परमेश्वर, हम लोगों को भी वैसी ही बुद्धि बख्श मेरे पिता परमेश्वर, हम समझ सकें पिता कि कौन हमारे लिए जंगली बीज है और कौन अच्छा बीज है मेरे पिता परमेश्वर। जो जंगली बीज है पिता, उनको तू फलवंत मत होने दे हमारी लाइफ के अंदर मेरे पिता परमेश्वर। ये बीज तो बोए जाएंगे पिता परमेश्वर, चारों तरफ लहर बह रही है इन बीजों की पिता परमेश्वर, मेरी इतनी सामर्थ नहीं कि मैं इन बीजों से बच सकूँ मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन सामर्थ तेरी है मेरे पिता परमेश्वर कि इन बीजों को मेरी जिंदगी में फलवंत ना होने दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए है मेरे पिता परमेश्वर, हमारा सबका जीवन, हमने अपना जीवन तेरे आगे समर्पित किया है पिता। जिन जिन लोगों ने पिता मरकर पानी का बपतिस्मा लेकर दोबारा आत्मा से जन्म लिया है पिता, हम लोग तेरी पहचान है पिता परमेश्वर,
लोग हमें देखें, अगर हमारे में जंगली बीज होंगे तो पिता तेरी महिमा कष्ट पाएगी। मेरे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए पिता, कोई भी ऐसा बुरी आदत, बैड हैबिट्स हमारी लाइफ में फलवंत ना हो मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारी जिंदगी में दूर से दूर ही खत्म हो मेरे पिता परमेश्वर। हमारे को इतनी समझ दे मेरे पिता परमेश्वर, इन बुरी आदतों को हमारे ऊपर जाहिर किया कर मेरे पिता परमेश्वर, कि ये बुरी आदतें हमें पता लग सकें पिता, और हम इनसे दूर भाग सकें मेरे पिता परमेश्वर। हम लोग इनको अपने साथ बढ़ाने वाला नहीं चाहते मेरे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं ये आए भी सही तो ऐसे जाहिर हों हमारे ऊपर कि हम इनसे दूर भाग सकें मेरे पिता परमेश्वर। बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर, बुद्धि तेरी तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई, हमारे को अच्छे और बुरे की समझ मिले मेरे पिता परमेश्वर, हमें पता लग सके कि कौन आदमी हमारे अंदर किस तरीके की आदत डालना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर। जो आदतें हम छोड़ चुके हैं पिता, वो दोबारा हमारे जीवन में ना आए मेरे पिता परमेश्वर। हम सब बुरी आदतों में से निकले मेरे पिता परमेश्वर, और बुरी आदतों में से निकले पिता परमेश्वर, ये बुरी आत्मा जो हमारे में से जा चुकी है पिता, ये दोबारा एंट्रियां ना करें मेरे परमेश्वर। तेरे लहू से मैं कवर करता हूँ पिता, हम अपने सबके शरीरों को मैं पिता परमेश्वर, अपने सबके दिमागों को, सोचों को और विचारों को और दिल को पिता, तेरे पावन लहू से मैं कवर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरे विचार हमारी लाइफ के अंदर नॉकिंग तो करें लेकिन एंट्री ना कर सके मेरे पिता परमेश्वर। इनकी नॉकिंग दूर से दूर जाए, हमें सुनाई भी ना दे मेरे पिता परमेश्वर। तू हमें समझ देता है पिता, तेरी समझ देने के लिए तेरा धन्यवाद है मेरे पिता। यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्यारे नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। कोई आराधना गीत गा रहे गाइए। मजबूत मैं न कर, तू चट्टान की तरह, बुद्धिमान मैं न कर, सुलेमान की तरह, मजबूत मैं न कर, चट्टान की तरह, मजबूत मैं न कर, चट्टान हाथों को उठा के प्रार्थना मांगवा, बोलना परमेश्वर मुझे आज बुद्धिमान बना, मुझे सामर्थ बना। मैं कह रहा हूं मेरी, जैसे ब्रदर ने बोला, मेरी और आपकी बस की बात नहीं है इन सजेशन से, इन आइडिया से बचते रहना। हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमें फंसाया, कौन सी उस गेम्स के बीच में हम फंस गए, हम बाहर ही नहीं निकल सकता। हमें फंसा के लेके जाएंगे, एक टाइम बोलेंगे खुदा मुझे बाहर निकाल खींच के, बट मैं और आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज उधर जाके जोसेफ गलत कमिट करने के बाद उस सेक्सुअल सिन से, पाप के लिए माफी नहीं मांगा परमेश्वर से, वो गया ही नहीं आसपास, क्योंकि उसको बुद्धि से परमेश्वर ने भरा था। जैसे आज परमेश्वर को हाथों को उठा के बोले प्रभु उस जोसेफ को बुद्धि आपने दिया परमेश्वर, गलत कामों में सजेशनों में फंसा नहीं। उसकी भाइयां, बाइबल यह कहते हैं, बाइबल रिसर्चर्स कहते हैं, उसकी भाइयां अपनी पापा के माल उठा के चोरी करते थे, अपनी पार्टियां करते थे, जोसेफ उसमें पार्ट नहीं था, उसको बुद्धि दिया परमेश्वर ने, अलग किया। दाऊद के हर भाइयों के लिए सिलेक्शन आया और परमेश्वर ने ये बोला रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। मेरे स्पिरिचुअल फादर ये मुझे सिखाया, जब तक परीक्षा नहीं लिया तो कैसे रिजेक्ट किया जाता, उसका मतलब उनका परीक्षा पहले लिया गया था, उनको पता भी नहीं चला वो रिजेक्टेड हो गया था। डेविड का परीक्षा लिया गया था, वो एक्सेप्टेड हो गया। आज प्रार्थना कर प्रभु मुझे बुद्धिमान बना। प्रभु अगर आप सीरियस हो, मैं जानता हूं आज आपने इस ठंड के टाइम में अपनी ऑटो की फेयर की खर्च करके, अपनी पेट्रोल खर्च करके, आप कलीसिया में जितनी भी लोग बैठे, आप सुपर्ब सीरियस हो इस एनआईटी चर्च की, कलीसिया की। विश्वासी आते जाते प्रार्थना लेते करते, बट मैं जानता हूं मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कुछ कलीसिया होते हैं पास्टर
प्रार्थना करने वाले और कलीसिया ढीला कुछ होते हैं, कलीसिया प्रार्थना करने वाले पास्टर्स नहीं करते, बट मेरा विश्वास है मेरे सामने इतनी लोग है और मुझे ये विश्वास देता है मैं अकेला नहीं हूँ, हम मिलके प्रार्थना करेंगे और हम आज मांगेंगे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, मुझे बुद्धिमान बना सुलेमान तरफ, सामर्थ्य बना परमेश्वर, हम पहचान पाए गेम्स को ट्रिक्स को और हमारी पास ऐसे एक प्रार्थना करो जैसे मैं मेरी घर पे मैंने दरवाजे पे मैंने इस चर्च में भी इस दरवाजों में क्योंकि एंट्री कहाँ से होता चोर दुष्ट शक्ति, मैंने मेरे घर के दरवाजे में अनॉइंटिंग ऑयल लगा रखा है, मैंने घोषणा किया हर सातन अंधकार दुष्ट शक्तियों के प्लान इधर एंट्री नहीं है, हर डेविल के प्लान इधर कदम रखेगा डिस्ट्रॉय होगा, हर जादू टोना, मैंने इसकी दरवाजे क्रॉस ला के प्रार्थना करता हूँ गेट पे, इसलिए इस बिल्डिंग्स के लिए घर के लिए भी सेम प्रार्थना करो, प्रभु जो अंधकार दुष्ट शक्ति प्लान मेरी आंखों में बोया जाता है, कानों में बोया जाता है, मुंह में बोया जाता है, फायर 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 वो एंट्री ना हो जाए, डिस्ट्रॉयड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम, डेविल आसपास भी ना जाए, बुद्धि मांगो, एक गाना गाओ, आई लव यू वर्शिप टीम, आपने बिल्कुल परफेक्ट गाने गाए, एक गाओ गाओ, मांगो परमेश्वर से बुद्धि मांगो, सामर्थ मांगो, तू चट्टान की तरह बुद्धिमान मैनू कर, सुलेमान की तरह अंश गान दो तू अकेला गा, सुलेमान की तरह बेट तू कबूल कर मेरे सुबह शाम दी, बेट तू कबूल कर मेरे सुबह शाम दी, ले जावे तू दे मैनू अब राम लई, ले जावे तू दे मैनू अब राम लई, वेट हुआ तेरे आगे वेट हुआ तेरे परवान की तरह बुद्धिमान मैनू कर, सुलेमान की तरह बुद्धिमान मैनू कर, सुलेमान की तरह मान मैनू कर, सुलेमान की तरह मूसा वांगू पूरा दे मैनू कर दे, मूसा वांगू पूरा दे मैनू बन कर दे, जीवे वहां मेरी फड़ी ले, लूट की तू फड़ी जीवे वहां मेरी फड़ी ले, ओवा मैं अयूब जे, ओवा मैं अयूब जे प्यार की तरह बुद्धिमान मैनू कर, सुलेमान की तरह बुद्धिमान मैनू कर, सुलेमान की तरह। बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे मत सोचना तू सर्वशक्तिमान बुद्धिमान है कभी फेल ना होगा कभी ना गिरे, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे प्रार्थना करो प्रभु मुझे टेम्पटेशन में मत फंसाना, वो व्यक्ति बुद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करता, या बेवकूफ हो सकता है या अरेगेंट घमंडी हो सकता है, दो ही व्यक्ति बुद्धि के लिए नहीं प्रार्थना करता, जो घमंडी और बेवकूफी, और इस कलीसिया जो ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ है मेरा विश्वास है आप बेवकूफ नहीं है ना घमंडी है, इसलिए आवाज अंग उठा के बोलो प्रभु मुझे बुद्धिमान बना, ये कुछ नहीं है हमें बुद्धि बहुत चाहिए, सुलेमान की तरह मंदिरों को निर्माण करने के लिए, अपनी घरों को निर्माण करने के लिए, बिजनेसों को कलीसियाओं को चीजों को बनाने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, सामर्थ्य। आज प्रार्थना मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर है, विजडम, हमें विजडम दो परमेश्वर जंगली पौधों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तेरी बात और शैतानी बात हमें कान में भी यही बोलते हैं शैतान, बहुत बार प्रभु भी बात करते हैं शैतान भी बात करते हैं, बहुत बार शैतान ऐसे बात करते हैं और क्लैरिटी में परमेश्वर से ज्यादा प्रभु कम आवाजों में वो जबरदस्ती ने लगाता, इस टाइम बुद्धि देना परमेश्वर हमें कौन सी शैतान की गेम है, कौन सी शैतानी स्ट्रैटेजी है, कौन सी परमेश्वर की बुद्धि है, दोनों के लिए बुद्धि। एक बार और गाइए आवाजों को उठा के हुए प्रभु, ओ दो लाइन गाना
जो हमें मजबूत कर चट्टान की तरह और बुद्धिमान बना सुलेमान। मजबूत मैनु कर तू चट्टान की तरह, बुद्धिमान मैनु कर सुलेमान की तरह। बुद्धिमान मैनु कर तू चट्टान की तरह, बुद्धिमान मैनु चट्टान की तरह, ईमान मैनू कर सुलेमान की तरह, बुद्धिमान मैनू कर सुलेमान की तरह, मजबूत मैनू कर तू चट्टान की तरह, मजबूत मैनू कर तू चट्टान की तरह, बुद्धिमान मैनू कर सुलेमान की तरह, बुद्धिमान मैनू कर सुलेमान की तरह, बुद्धिमान मैनू कर। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे आइज़ाया 32:9-14 तक। आइज़ाया 32, उठाइए माइक, पढ़ लीजिए आइज़ाया 32:9-14। आइज़ाया 32:9-14, दुपट्टा है, दुपट्टा किसी के पास स्पेयर फ्री है तो सिस्टर कर लो, दुपट्टा भी चलेगा। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा मैं। आइज़ाया 32:9-14। हे सुखी स्त्रियों, आवाज उठा के, हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो, हे निश्चिंत पुत्रियों मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दांखे ना होंगी और ना किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। ईसाई मिल गया, ईसाई मिल गया, रेवलेशन के पहले मिल गया ऐसा है सबको। ठीक है, दोबारा पढ़ो सिस्टर शुरू से। नाइन, हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो, हे निश्चिंत पुत्रियों मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाख ना होगी और ना किसी भांति का फल हाथ लगेगा। हे सुखी स्त्रियों थरथराओ, हे निश्चिंत स्त्रियों विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतार कर अपने अपने कमर में टाट कसो। वे मंद भाव खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजाएंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा और पहाड़ियां और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों को विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे। ठीक है, 14 तक। सुखी स्त्री, इसका मतलब समझाओ। सुखी खुशहाल ना, वो गलत ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी में लिखा है, राइज अप यू वुमेन हु आर एट ईज, हियर माय वॉइस यू कॉम्प्लेसेंट डॉटर्स। कॉम्प्लेसेंट के लिए क्या वर्ड यूज किया उधर, कोई सुखी जो भी है, सुखी और निश्चिंत। कॉम्प्लेसेंसी क्या होता है, कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंट हो गया, हाँ वही, चिंता नहीं है, लेजीनेस हो गया। हम बोलते हैं जैसे बंदा काम करता है वो थोड़ा ढीला होता है, काम को ध्यान नहीं देता है, वर्ड क्या है, तू कॉम्प्लेसेंट हो गया, काम ढंग से नहीं कर रहा, लेजी हो गया, ध्यान नहीं देता, समझ पा रहे आप। इधर कह रहे जो तुम लोग ढीला हो गया, एंजॉय कर रहे लाइफ, आया गया ठीक है जाएगा, कोई काम के ऊपर ध्यान नहीं, बोलता है ये सब करता रहेगा तो दुकान में माल नहीं होगा, खेती में कुछ नहीं होगा, अकाउंट में पैसा नहीं होगा, वर्क मोड में आ जाओ। किस मोड में? जैसे मैंने दुपट्टा इसलिए लिया, जैसे आप
अभी वर्किंग मोड नहीं है ये, एड्रेस क्या है, आ जाओ। फॉर्मेला प्रार्थना कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वर्किंग मोड में क्या करते हैं, दुपट्टा उठा के कहाँ डालते हैं? ना ना ना, कमर में बांधती है ना लड़कियाँ। हाँ मैंने देखा इधर लेडीज काम करते हुए, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। हाँ ये क्या है, वर्किंग मोड में आ जाओ। ये कपड़ा अच्छा है देखने के लिए, बट इस हम इसमें रहना चाहते हैं, बट ये कभी कभार अच्छा काम करेगा तभी दुपट्टा ऐसे रख पाएंगे, नहीं है तो हम सजते नहीं चल सकता। तो कौन सी मोड में आना चाहिए? लेजीनेस हटाना चाहिए, प्रेयर करने के टाइम प्रेयर करना है, लगे रहने के, नहीं है तो क्या नहीं होगा। अब आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाया, अब समझ आ गया, अब दोबारा ये पढ़ो समझ आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। हाँ पढ़ो आइज़ाया 32:9-14 दोबारा पढ़ो। हे किस मोड में आना? हे कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट की राइट वर्ड हिंदी में सुखी स्त्री, निश्चिंत, ठीक है ठीक है। कॉम्प्लेसेंसी, कुछ नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है। बेफिकर, दैट इज द राइट वर्ड, बेफिकर है जी, पढ़ा है, कोई मतलब ही नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं है, दुकान में क्या हो रहा है, बच्चों के जिंदगी में क्या हो रहा है, पढ़ाई में क्या हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई का टाइम ध्यान नहीं दे रहा, मम्मी अपनी क्या नाम है तंबोला खेलने में गया हुआ है हल्दरा में, फिर वो उसका मार्क नहीं निकलेगा, फिर बोले बच्चे को पता नहीं एडमिशन नहीं लगा, हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लेसेंट ना बने, वर्किंग मोड में सज के रहने के लिए क्या चाहिए? वर्किंग मोड में जाना पड़ेगा, प्रेयर मोड में जाना पड़ेगा, अपनी बांध के प्रार्थना करो, ले गो पढ़ो दोबारा पढ़ेंगे एक और बार। हाँ, हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो, हे निश्चित पुत्रियों मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चित स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक, स्पेसिफिकली स्त्री स्त्री क्यों बोल रहे लेडीज लोग? क्योंकि यहाँ एक स्त्री की बात हो रही है, स्त्री की बात हो रहा है, बट विमेन प्रेयर वॉरियर्स है, आप बहुत प्रे कर सकते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ खुदा मेल गॉड है, परमेश्वर आदमी है ना, इसलिए हम ही बोलते हैं। एक बाप को लड़का भी, बाप का बेटा भी रो रहा है, बेटी भी रो रहा है, किसके ऊपर उसका दया ज़्यादा जाता है? बेटी के ऊपर। ये आदमी की एक वो है, वो लड़की को वो देगा। तो खुदा जो मेल गॉड है, जब अपनी बेटियाँ रोएंगे तो और सुनता है, समझ रहे हो आप? हाँ वही तो आपको बेटियों से कह रहे हैं, प्रे फैमिली के लिए, प्रे, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हो जाएगा, टाइम ठीक करेंगे। बहुत सारे लेडीज मैंने ये देखा, हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, दुकान में ये प्रॉब्लम है, घर पे ये प्रॉब्लम है, 10 जगह प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलेंगे, वो कभी प्रे नहीं करेंगे, पास्टर जी को फोन लगा के रोएंगे, कोई फायदा नहीं है, मैं म्यूट में लगा के सुनूंगा, दुखी कहाँ तक सुनेंगे। जैसे हम डॉक्टरी लाइन में है, डॉक्टर बहुत बार कान में वो लगा के सुनते हैं, हाँ हाँ वो कुछ नहीं सुन रहा, हाँ हाँ दवाई लिख रहा है, कि उसको पता है इसने क्या क्या कहानी बोलना है। हो सकता है आप जिसके ऊपर उम्मीद लगाते हो वो नहीं सुने, बट एक सुनेगा, कौन? खुदा। आप सुनते हैं, हम सोचते हैं लेडीज का एक और भी प्रॉब्लम है, सोचते हैं किसी ना किसी को मैंने एक बार सुना दिया, मन का भारी उतर गया, इसलिए वो गलत बंदा सुनने वाला कुछ भाई बहन बन जाता है कोई। हमने सुनाना ना किसी को, बट एक किसको, जिसको सुनाना है, किसको सुनाना है? वो कहाँ सुनता है? जब आप घुटने में आते प्रार्थना करते हैं, उसको सुनाओ। विमेन, मेरी बहन लोग, भाई लोग, मम्मी लोग, किसको सुनाना है? राइज अप, लेजीनेस को छोड़ो, प्रार्थना करना शुरू करो। एक बार पढ़ लीजिए अब 9-14। हे निश्चित स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि टोड़ने को सिर में दुपट्टा लगाने के लिए पैसा खत्म हो जाएगा, फिर काम करने निकलेगा। हाँ, क्योंकि तोड़ने को दाखे ना होंगी। हाँ। और ना किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हाँ। हे सुखी स्त्रियों थरथराओ, हे निश्चित स्त्रियों विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतार कर अपने अपने कमर में टाट कसो, वे मन भाव खेतों और फलवंत दाख लताओं के लिए छाती पीटेंगी। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजाएंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बनी रहेगी। जिंदगी ऐसे हो सकता है, कोई आस, कोई नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई आशीष नहीं, कोई अनुग्रह नहीं है। 3 लोग प्रार्थना करना,
लेजीनेस, कॉम्प्लेसेंसी, ये जो आदत है हमारी जिंदगी में प्रार्थना करने के लिए, मेहनत करने के लिए, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए, घर ऑफिस में काम करने के लिए, ये काम चोरी की आत्मा, सब चीज़ हमारी परिवारों से, फैमिलियों से, कलीसियाओं से दूर हो जाए। तीन व्यक्ति मुझे चाहिए प्रार्थना करने के लिए। हाँ तो उठाइए, प्रार्थना कर लीजिए। यस यस, उठाओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करो प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए खुदावन। पिता परमेश्वर, आज की इस योजना के लिए जो आपने अपने लोगों के जीवन में दिए, परंतु पिता क्योंकि हम जानते हैं हम में से कितने मसीह हैं जो सो रहे हैं, परंतु तूने हमें चुन के अलग करा कि हम तेरे प्रभु उस कार्य को कर सकें, उन प्रार्थनाओं को तुझसे मांग सके प्रभु, क्योंकि ये तेरी इच्छा है कि आज हम यहाँ इकट्ठे हैं और हमने अपना मन को एक कराए, अपनी आत्मा को एक कराए कि तुझसे प्रभु हम आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके। पिता परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक लेजीनेस की आत्मा हमारे से, हमारे जीवनों से, हमारी कलीसिया के जीवन से, पिता इस मिनिस्ट्री से दूर जाए। पिता परमेश्वर खुदावन दा खुदा, पिता परमेश्वर खुदावन, हमें सामर्थ्य प्रभु, हम तेरे डीएनए में के डीएनए हैं पिता। तूने प्रभु 7-6 दिन तूने निरंतर काम करा प्रभु, और 7वें दिन विश्राम करा पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम भी निरंतर काम करें पिता, और जब विश्राम का समय हमारे जीवन में आए प्रभु, हम तेरे द्वारा वो विश्राम को पा सके, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरे लोग ना थकेंगे ना श्रमित होंगे। पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों को यूं ही नींद दान करता है। पिता परमेश्वर खुदावन, हमें अपनी जैसा बना, हमें कार्य करने का बल दे, हियाब दे, हिम्मत दे पिता परमेश्वर, बुद्धि और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, पराक्रम की आत्मा हमारे जीवन में उतार प्रभु, ताकि हम प्रभु तुझ में से एक बन सके। पिता परमेश्वर, हम तेरी सामर्थ्य पाके प्रभु, अपने कार्य को जो तूने इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में दिया, हम पूरा कर सके प्रभु। तूने नहमिया से कहा, जब तू मां के गर्भ में भी ना था, मैंने अपना चित्त तुझ पे लगाया पिता, क्योंकि तेरे कार्य उसके द्वारा होने थे। पिता परमेश्वर खुदावन, आज तू अपना चित्त हमारी ओर लगा पिता परमेश्वर, कि हम भी लेजी ना हो तेरे उस सेवा को करने में, तेरे उस कार्य को करने में। पिता परमेश्वर, आज प्रभु होने दे कि पिता परमेश्वर प्रभु, हम यहां से उस कार्य को, जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो तूने हमारे लिए रखी है पिता, हम लेके जाए पूरा कर सके। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जागरूकता की आत्मा दे पिता परमेश्वर, खुदावंदा खुदा, प्रार्थना करने की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, कार्य करने की आत्मा दे पिता परमेश्वर, खुदावंदा खुदा पिता परमेश्वर, ताकि जब तू आए प्रभु तो हमारा सही न्याय कर सके पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम ठंडे ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि गर्म हो पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक दुर्बलता की आत्मा प्रभु, हर एक बहाने की आत्मा जिसके कारण प्रभु हम बिस्तर में पड़े रहे पिता, हर एक वो सोच विचार हमारे जीवन से निकाल देना पिता परमेश्वर, खुदावंदा खुदा, हम में वो शक्ति देना, सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, जैसे तूने अपने नबियों के जीवन में दिया प्रभु, वो हियाब, वो विश्वास पिता परमेश्वर, खुदावन हमारे विश्वास को बढ़ाना, हमारे हियाब को बढ़ाना पिता परमेश्वर, खुदावंदा खुदा, जैसे तूने इजराइलियों को समय संभाला, तू आज हमें संभाल पिता परमेश्वर, खुदावंदा खुदा, आज तू हमें अपनी सामर्थ्य दे, अपनी अपनी आत्मा हमारे जीवन में उंडेल पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, हर लेजीपन की आत्मा हम में से, जितने लोग यहाँ बैठे उनके जीवन से इसी समय यीशु तेरे नाम से निकालती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ पिता, हम पिता परमेश्वर, हमने शिफा पाई है पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और कौन प्रार्थना करेंगे? सिस्टर को दो। मैं सोच रहा था सिस्टर माइंड में आपको बोलने के लिए, परमेश्वर ने बोला आपसे। हे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आवाज उठा के सिस्टर, आवाज उठा, झुक कर आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, और आपके पवित्र लहू को देह आत्मा प्राण और विवेक पर लेते हुए खुदावन पिता परमेश्वर तेरी स्तुति प्रशंसा और बड़ी बड़ाई करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदावन पिता परमेश्वर जो आपने दिया परमेश्वर, किसी मनुष्य की तरफ से नहीं, लेकिन ये सुंदर समय परमेश्वर आपकी तरफ से, सचमुच परमेश्वर आप महान परमेश्वर है कि परमेश्वर पिछले साल भी आपने हम सभी को एक दिन इकट्ठा करके परमेश्वर हम सब मिलकर हमने तेरी महिमा करी खुदावन पिता परमेश्वर, उस समय के लिए आज तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और आज इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हुए खुदावन
हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं कि परमेश्वर जब हम घरों में रहते हैं या अपने बच्चों के साथ रहते हैं परमेश्वर, कई बार हम प्रार्थना करते समय चूक जाते हैं खुदावंत पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थनाएँ जो हमारे मन से होते होते भी निकल जाती हैं खुदावंत पिता, अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी आलसपन के नाम होते हैं खुदावंत हमारे जीवन से हटा दे खुदावंत पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो हमारे बच्चों के अंदर भी दुष्ट की जो भी शक्तियाँ हैं खुदावंत पिता परमेश्वर तेरे नाम से दूर हो जाएँ खुदावंत, और खुदावंत पिता परमेश्वर आने वाले समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं कि परमेश्वर जब हम कभी प्रार्थना में बैठें परमेश्वर सिर्फ तेरी महिमा करने पाएँ खुदावंत पिता परमेश्वर, और यहाँ पर आए हुए हर जन से परमेश्वर आप बातें करें, सबके मनों से खुदावंत पिता परमेश्वर आप बातें करें परमेश्वर, हम अपने घरों से जब खाली आए थे परमेश्वर लेकिन जब हम यहाँ से जाएं तो परमेश्वर हम तेरे नाम की और तेरे वचन की झोलियाँ भर कर लेकर जाएं खुदावंत पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुने और ग्रहण कर लीजिए, आमीन आमीन। एक और व्यक्ति प्रार्थना कर लीजिए इसके लिए, लेजीनेस प्रार्थना में कलीसिया में सब चीज में यति को दे दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जैसे शैतान इस वक्त जब हम प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त हमें सुलाने की कोशिश करता है, वो हमें लेजी करने की कोशिश करता है, वो हम कई बार कुछ काम कर रहे होते हैं वो काम इम्पोर्टेंट होता है लेकिन हम उस काम को भूल के गलत कामों में लग जाते हैं, और हमें लेजी नहीं बनना चाहिए। जैसे कि हमने आज वचन पढ़ा, जैसे इसमें स्त्रियों का लिखा था, मैं इसको ऐसे ग्रहण करता हूँ कि सबका है कि ये पहले हमारा मूड है प्रेयर मूड, फिर प्रेयर मूड में हमें फाइट करनी पड़ेगी, अगर हम प्रार्थना करेंगे तभी हमें वो चीज मिल सकती है। मैं तेरे प्यारे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। बढ़ेंगे आइज़ाया का 32 का 15 से लेके 18 तक। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु में सीरियस में जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उसी 14 तक ये हो गया, फिर 15 to 18 पास्टर दी पढ़ लीजिए फिर प्रार्थना कर लीजिए। 32:15-18 जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आमेन आमेन। जब स्पिरिट आता है, आशीष आता है, अनुग्रह आता है, फिर हमारी जिंदगी में ये होगा। प्रे फॉर दिस दैट लेट दिस हैपन, ये हमारी जिंदगी में हो, परिवारों में हो, पीसफुल हैबिटेशंस में हो, ब्लेसिंग्स आशीष दुपट्टे सिरों में आए वापस, मेहनत करें लोग, लेजीनेस की आत्मा दूर हो जाए, और प्रे करें। खुदावंत यीशु, इस टाइम हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे समीप आते हैं अपने आप को दीन और नम्र करके पिता परमेश्वर, जैसे तूने बोला कि मेरे लोग मेरी प्रजा जब दीन और नम्र होके मेरे सामने आते, अपने घुटनों को मेरे सामने टिकाते हैं और प्रार्थना विनतियों को मेरे सामने लेके आते हैं, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके देश में चंगाई को लेके आऊंगा। पिता परमेश्वर, इस टाइम मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि अपनी आत्मा को उंडेलना हमारे ऊपर, हर एक क्षण के हर एक जीवन के ऊपर पिता परमेश्वर तेरी आत्मा को उंडेलना पिता परमेश्वर, क्योंकि जब तेरा आत्मा आता है पिता परमेश्वर, वहाँ पे सूखी भूमि भी नए नए पत्तों को लेके आती है पिता परमेश्वर, जो बंजर भूमि है, जो रेगिस्तान है उस पिता परमेश्वर वो फलदायक हो जाता है, उसमें नए नए पेड़ उगते हैं पिता परमेश्वर खुदा, जब तेरा आत्मा उंडेलता है पिता परमेश्वर। खुदावन अपने आत्मा को उंडेलना पिता, हर एक लेजीनेस की आत्मा यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लेजीनेस की आत्मा हमारे हमें काम से रोकती है, हमें थकाती है, हमें सुलाती है पिता परमेश्वर, हर एक लेजीनेस की आत्मा को यीशु तेरे नाम से मैं इसी टाइम कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन तूने हमें लेजी होने के लिए नहीं बुलाया पिता परमेश्वर, तूने हमें फलदायक होने के लिए बुलाया पिता परमेश्वर, और खुदा हम फलदायक हो, हम फ्रूटफुल हो पिता परमेश्वर, हम सोते ना रहे, हम जागते हुए तेरे कार्यों को करते रहे
पिता परमेश्वर, खुदावंत हमें यूज करना पिता परमेश्वर। पिता इस टाइम मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, जैसे तूने वचन में भी लिखा है पिता कि उन चींटियों से जाके सीखो कि कैसे वो काम करते हैं, वैसे वो कैसे वो बटोरते हैं, उनका कोई उनका उनके ऊपर कोई लीडर नहीं होता पिता परमेश्वर, परंतु फिर भी वो बटोरते हैं, वो संभाल के रखते हैं। इसी तरह तुम लेजी मत बनो, उन चींटियों से जाके सीखो, लेजी मत बनो। थोड़ी सी नींद तुम्हें लेजी कर देगी, थोड़ी सी नींद तुम्हें कंगाल बना देगी। पिता हम उन कंगालों के समान नहीं बना चाहते, थोड़ी सी नींद हमें कंगाल बना सकती है पिता परमेश्वर। हम तेरे राज्य के लिए कार्य करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, अपने रिसोर्सेस के द्वारा, अपने फाइनेंसेस के द्वारा, अपने हेल्थ के द्वारा पिता परमेश्वर, हम तेरे राज्य के लिए बहुत से कार्य करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन हमें हमारे ऊपर अपने आत्मा को उंडेल पिता परमेश्वर, हर एक लेजीनेस की स्पिरिट को यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर। जो सिकनेस की वजह से जो लेजीनेस आता है, जो शैतान अननेसेसरी हमें लेजी करता है, अननेसेसरी हमें थकाता है, हमारे सोच विचारों के द्वारा हमें थकाने की कोशिश करता है, हर एक ऐसे सोच विचारों को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर। हर एक सोच विचार जो शैतान हमारे जीवनों में लेके आता है और हमें लेजी करने की कोशिश करता है, हमारे परिस्थितियों को ऐसे लेके आता है ताकि हम लेजी हो जाएं, हम अपनी परिस्थितियों में इतना 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 घुस जाते हैं कि हम तेरे कार्य के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे हर एक अननेसेसरी सिचुएशंस को, हर एक अननेसेसरी ऐसे कार्य को यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता अपने सामर्थ को हमारे जीवनों में उंडेलना पिता, अपने सामर्थ को उंडेल खुदावन, अपने सामर्थ को उंडेल पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ को हमारे जीवनों में उंडेल खुदावन। क्योंकि खुदा जो दर्शन, जो विजन पिता परमेश्वर, जिस विजन के द्वारा तूने हमें इस धरती पर भेजा है, उस विजन को एकम्प्लिश करते हुए हम तेरे पास आए, हम उस सेवक के समान ना बने जब तूने तोड़े दिए, जब उस राजा ने तोड़े दिए, उसने तोड़ों को छिपा के रखा, मिट्टी के अंदर दबा के रखा, और जब सेवक ने, जब मालिक ने आके सेवक से पूछा कि तेरे तोड़े कहाँ हैं, उसने बोला कि तू तो बहुत क्रोध करने वाला राजा है, इसलिए मैंने अपने तोड़ों को छिपा के रखा। पिता जैसे उस राजा ने अपने सेवक को बोला कि तू आलसी है और उसको पनिशमेंट दिया गया, पिता हम ऐसे सेवक नहीं बनना चाहते खुदावन, जो कार्य के लिए, जो पर्पस के साथ, जो विजन के साथ जो तूने हमें धरती पे भेजा है पिता परमेश्वर, उस पर्पस को, उस विजन को, उस मिशन को एकम्प्लिश करते हुए पिता हम नाचते हुए झूमते हुए तेरे पास वापस आए खुदावन। हम वो सुन पाए, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, वेल डन, शाबाश, well done my good and faithful servant, you have run the race, you have fought the good fight। aur khuda jo mukut tune hamare liye rakha hai pita, us mukut ko hum lek paaye, us swarg mein hi nahi pita parantu is dharti pe jo mukut tune hamare liye rakha hai pita, wo sare mukton ko leke hum tere paas aa paaye aur swarg mein bhi wo sare mukut hum tujhse le paaye khudawan, hame madad karna khuda, tere bina hum kuch nahi hai pita parmeshwar, तेरे आत्मा के बिना, तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं हैं पिता परमेश्वर। खुदा जब तू वापस गया, तूने बोला मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को छोड़ता हुआ जाता हूँ और वो सहायक तुम्हें मदद करेगा। पिता होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें मदद करना, हर एक स्टेप हमारे जीवन के हर एक स्टेप में हमें मदद करना पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को, आमीन। एक आराधना गीत गाएंगे, आमीन आमीन, एक आराधना गीत गाएंगे, फिर हम और प्रार्थना करेंगे कुछ विषयों के लिए। Ja
पढ़ेंगे भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 पढ़ेंगे, भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 पढ़ेंगे, सब लोग मिलके पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 पढ़ेंगे, सब लोग मिलके पढ़ेंगे, और उसके बाद ये गाना गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, ठीक है, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, आवाज जंग उठा के सब लोग मिलके पढ़ेंगे, सोया तो नहीं, नहीं, प्रे भी कर दिया, यही होते दिल की प्रार्थना, अरे हमें सुलाना मत, सच सच प्रार्थना, इमोशनल प्रेयर्स को प्रभु को अच्छा लगेगा, जो परेशानी है बोल दिया, भैया मुझे नींद आ रहा है, मुझे बचाना, आज मैं बैठना चाहता हूँ तेरी संगति में, हमारे बच्चे कोई सो नहीं रहा, प्रेज द लॉर्ड, बैठ के प्रार्थना कर रहे, बैठे हुए, गुड, एक्सलेंट, ये ट्राई करना 6 बजे तक, रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए मिलके हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23। एक परमेश्वर का दास बोलता है, यहो मेरा चरवा है, मुझे घटी ना होगी। अगर आपको कमी घटी, उसका मतलब कोई ऐसा एरिया में आपने यहोवा को चरवाहा बनाया नहीं है। कुछ कमी घटी उसका मतलब चरवाहा बनाया नहीं, कुछ एरिया में यहोवा को हमने माना नहीं, ये मेरा चरवाहा है, मुझे प्रोवाइड करेगा। तो आज ये दिल से पढ़ लीजिए और डिसीजन ले लीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चराइयों में चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चित भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। 5 पढ़ लीजिए, यू प्रिपेयर है, 5 दोबारा पढ़ लीजिए, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मिलाया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। शत्रु के सामने क्या बनाएगा? मेज। एक परमेश्वर का दास बोलता है, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं है जब तक आपके शत्रु आके आपके घर का फोटो खींच के नहीं ले जाता। कब तक? एक परमेश्वर का दास बोलता है, आपकी गाड़ी कौन सी है, आपके घर की फोटो, जब तक आपका शत्रु खींचता नहीं है तब तक आप सक्सेसफुल नहीं है, तो शत्रु रहेगा। और 5 और 6 हम इकट्ठे पढ़ेंगे, फिर एक बार प्रार्थना करेंगे। 5 और 6 इकट्ठे सब मिलके पढ़ेंगे। तू मेरे सामने वालों के सामने in the presence of my enemies you anoint my head with oil, my cup overflows, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever, I shall dwell in the house of the Lord forever। परमेश्वर तेरी goodness और mercy, तेरी भलाई, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह हमारी जिंदगी में, परिवारों में सदा सर्वदा रहते रहेगा। पिता परमेश्वर यहोवा तू मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा। उस आराधना गीत गाएंगे और घोषणा करेंगे, पूरा गाना उस आराधना गीत पूरा। चरवाहा मेरा
मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे शीर्ष चढ़ाना वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा। yes. कोरोना है, फरोना है, शरोना है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा। आमीन। डिक्री एंड डिक्लेयर। पढ़ेंगे भजन संहिता 91। जहां जहां यू लिखा हुआ, जहां जहां तुम लिखा उधर मैं पढ़ना। मैं मेरा बाइबल में ऐसे लिखा हुआ, जहां यू लिखा मैं काट ही रखा है, क्योंकि ये मेरे लिए लिखा ना। मेरा बाइबल आके देखना, देखो मैंने काट रखा है, यू लिखा है, मी लिखा है, आई लिखा है। पास्टर जी आपने पढ़ना है भजन संहिता 91 इकट्ठे, जहां जहां, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे सब लोग? हाँ, ये मेरे लिए लिखा है, आपके लिए लिखा है, हमारे लिए लिखा है, पर्सनल लेटर है बाइबल, किसी और के लिए नहीं है। तू यू यू बोलेगा तो लगेगा किसी और के लिए लिखा है, हमारे लिखा है। चलिए 1 2 3 भजन संहिता 91 सब लोग है, पढ़ लीजिए, बाइबल को उठाइए, पढ़ लीजिए आवाजों को उठाते हुए जोर से, जोर से। जब आप पढ़ते हैं आधा तो नींद ही चले जाएंगे, जोर से पढ़ेंगे तो क्या होगा, नींद ही चले जाएंगे, बस इसलिए जोर से पढ़ना। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा, उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, मैं न रात के भय से डरूंगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1,000 और मेरी दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास ना आएंगे, परंतु मैं अपने आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वह मेरी रक्षा करे, वह मुझे मेरे हाथों को हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि वह मेरे पांव के पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आइए आराधना गीत गाएंगे, फिर पास्टर जी इसी में से प्रार्थना करेंगे, फिर हमें ब्रेक का गुड न्यूज अनाउंस करेंगे। प्रार्थना करेंगे, आराधना गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर आप आदेश दें। क्यों तो डरता है तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तो डरता है तेरे लिए वो लड़ता है,
ओ जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, ओ जब साथ है मसीहा, ओ जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम बता पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम बता पाएंगे, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है, दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराए, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। और याकूब का परमेश्वर, इस टाइम हम तुझे पुकारते हैं खुदावन, तूने वचन में बोला कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है, परमेश्वर तू हमारा गढ़ है, तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, तू ही है पिता परमेश्वर, तेरे सिवा कोई नहीं पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर खुदावन, तू ही आदि और अंत तू ही है पिता परमेश्वर, तू ही अल्फा और ओमेगा है पिता परमेश्वर, हर जगह तू ही है पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे बिना हम क्या है पिता परमेश्वर, उस धूल के समान, उस मिट्टी के समान है पिता परमेश्वर खुदा, जब तूने हमें उठाया, तूने हमें उस डायमंड के रूप में बहुमूल्य कर दिया पिता परमेश्वर, हम उस मिट्टी के समान बिना किसी मूल्य के थे पिता परमेश्वर, परंतु तूने जब हमें उठाया, हमें चमकाया पिता परमेश्वर खुदावन, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें उठाने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, पिता जब तू हमारे संग है पिता परमेश्वर, तो हमें कौन हरा सकता है, हमें कौन गिरा सकता है, हमें कौन थका सकता है पिता परमेश्वर, जब दाऊद उस गोलायत के सामने खड़ा था खुदावन, दाऊद का कॉन्फिडेंस, उसका पूरा कॉन्फिडेंस उस पे था यहोवा तेरे ऊपर, उसने गोलायत को बोला तू तो अपने पूरे हथियारों के साथ आया, परंतु मैं अपने यहोवा के नाम के साथ तेरे सामने आया हूं, और आज के दिन मैं तेरे गले को काट के लेके जाऊंगा पिता, आज की रात, आज की सुबह जब हम प्रार्थना या कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे गोलायत जो हमारे सामने हैं, हम उसके सिर को नीचे गिरता हुआ देखते हैं, इसी टाइम हमारे शत्रुओं का सिर, उसकी योजनाओं का सिर को हम काटते हुए अपने हाथों में लेके चलते हुए देखते हैं पिता परमेश्वर खुदावन, जिस प्रकार तूने यहोशू को बोला मत डर, ढाड़स बांध, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ हूं खुदावन, जैसे तू मूसा के साथ था, जैसे तू यहोशू के साथ था, जैसे तू पौलुस के साथ था, जैसे तू पतरस के साथ था, जैसे तू नहमिया के साथ था, जैसे तू दानियल के साथ था, जैसे तू शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था पिता परमेश्वर खुदावन, आज तू हमारे साथ है खुदा, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टी में डाला गया था पिता, उनके ऊपर से उस धुएं की बदबू तक नहीं आई क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू उनके संग था, जब दानियल को उस शेर के मान में डाला गया खुदा, दानियल के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई क्योंकि तू उनके साथ था परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में पूरा हुआ कि तू बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, तेरे पंखों के आड़ के तले हम अपने शरण को, अपने शरण को पाएंगे खुदावन, आज हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जब हम उस आग की भट्टी के बीच में से निकलते हैं,
जब हम परेशानियों में जाते हैं, जब हम बीमारियों में जाते हैं, पिता परमेश्वर तेरा वायदा है कि ना कोई महामारी हमें छू सकेगी। तेरे निकट हजार तेरी दाहिने और 10,000 परंतु तेरे ऊपर मैं आँच ना आने दूंगा। पिता परमेश्वर ये तेरा वायदा है और खुदावंत इस वायदे को अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देखते हैं। पिता परमेश्वर साथ में लिखा, तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे, परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। पिता, शत्रु जो योजनाएं लेके हमारे सामने आता है, जो हमें गिराने की योजनाओं को बना के हमारे सामने लेके आता है, पिता तूने बोला शत्रुओं के सामने मैं तेरे लिए मेज को बिठाऊंगा। खुदावन धन्यवाद, कुछ शत्रुओं को तूने अभी भी जीवित रखा क्योंकि उन शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज को बिछाने वाला परमेश्वर तू है। इसराइलियों के लिए पिता तू उनके शत्रुओं को एक पल में खत्म कर सकता था, परंतु तूने खत्म नहीं किया। तूने उनके शत्रुओं को जिंदा रखा ताकि वो इसराइली और स्ट्रांग हो। परमेश्वर तू हमारे कुछ शत्रुओं को इसलिए जिंदा रखता है ताकि हम अपने विश्वास में और स्ट्रांग हो, तेरे करीब और आते रहें। और खुदा जब तू हमारे फेथ को टेस्ट करता है पिता परमेश्वर, उन शत्रुओं के सामने तू मेज को बिछा के दिखाता है पिता परमेश्वर, और उन शत्रुओं के सामने जैसे पासी ने बोला कि कुछ शत्रु हमारे घर का फोटो लेके जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद हमारे संग संग रहते हुए पिता, हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं खुदा। परमेश्वर तू हमें ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है पिता, धन्यवाद। हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंत हमारा भरोसा, हमारे घोड़ों रथों, हमारे टैलेंट्स, हमारे कैपेबिलिटीज, हमारे रिसोर्सेज, हमारे फाइनेंसेस, हमारे घर, हमारा चांदी सोना नहीं पिता, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा भरोसा तुझ पे है। तू पल में किसी को खड़ा कर सकता है, तू पल में किसी को गिरा सकता है। तेरे विचार कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है पिता। खुदावंत बस हमारी यही प्रार्थना है कि हमें अपने पंखों के तले छुपा के रखना। तू हमारी ढाल, तू हमारा गढ़, तू हमारी चट्टान, तू हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। तेरे सिवा हमारे पास कोई नहीं है खुदा। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। आपके पास 5 मिनट हैं, कॉफ़ी तैयार है तो कॉफ़ी पीजिए, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाइए, वॉशरूम जाके आप आ सकते हैं। वर्शिप टीम 5 मिनट तो कॉफ़ी पी सकते हैं आप। अगर आप इकट्ठे जाना चाहते हैं या 2 म्यूजिशियंस अगर चले जाएं उसके बाद। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अगर कोई पीछे कॉफी नहीं पी रहा तो प्रार्थना में बैठिए।
चल